अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को? देखिए, इंजॉय नहीं कर रहे होते तो बहुत गलत कर रहे होते, क्योंकि इंजॉय करना चाहिए। बहुत सारी माओं को मैंने देखा है, बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है, या तो उनकी बेटी की शादी नहीं होती तो वो परेशान बैठी होती हैं, फिर उनकी बेटियों की शादी हो जाती है और शादी के बाद बेटियां परेशान बैठी होती हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ परेशान बैठी होती हैं, वो अपने मोमेंट्स को इंजॉय नहीं करती। मुझे अच्छे से याद है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थी जो 7 महीने तक, यानी बच्चा जब तक 7 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो घर से नहीं निकलती, कहीं आती जाती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को टेक केयर करना, उसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए। चलो अभी तो कोरोना है, मैं अभी की सिचुएशन की बात नहीं कर रही, पहले कोरोना से पहले भी जब माँ पहली दफ़ा बनते हैं आप ख़ासतौर पर, तो बड़े कॉन्शियस होते हैं, और जब आप माँ बनते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। पहले आप फैशन की, मेकअप की, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आप दोस्त मिलते हैं तो फिर आप अपने बच्चों की बातें कर रहे होते हैं, उनकी शरारतों की बातें, उनकी छोटी छोटी हरकतों की बातें, उनकी बड़े बड़े ब्लंडर्स की बातें, ये सब एक साथ दोस्तों में शेयर हो रहा होता है। मैं आपसे ये कहूँगी कि एक ज़माना था तो बच्चे खेल खेलते थे, यानी अलग अलग गेम्स होते थे, उनसे खेला करते थे, लेकिन मैंने अक्सर छोटे बच्चों को देखा है कि वो जो बच्चों के टॉडलर्स की गेम्स आते हैं वो छोड़, अब वो मोबाइल, टीवी, आईपैड, इस पे लगे होते हैं। और आई डोंट नो, ये मैंने रियलाइज़ किया बलाज की दफ़ा, क्योंकि सिला फरीद की दफ़ा तो ये चीज़ इतनी आम नहीं थी, लेकिन जब बलाज हुआ तो मुझे शुरू में लगा कि वो मोबाइल और ये आईपैड से कुछ ज़्यादा ही जो है, खाना भी उसको देख के खा रहा है। फिर मुझे ना थोड़ी शर्मिंदगी होने लगी, मैंने कहा कि ये मैंने सिला और फरीद की परवरिश तो ऐसी की नहीं, तो मैं इसकी क्यों कर रही हूँ? फिर मैंने उसके ऊपर पाबंदी लगाई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बलाज पूरे घर में किसी से नहीं डरता, अपने अब्बा से भी नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी सुन लेता है। तो फिर क्या हुआ कि बलाज को मैंने बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स और इस तरह की चीज़ें ला दी, क्योंकि मुझे उसके टीचर ने बताया था जब बच्चे हाथ से किसी चीज़ को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, उसकी वजह से उनकी ग्रिप अच्छी होती है, और ये टॉडलर्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो ऐसा ब्लॉक्स का गेम खेलें या ट्रैक्स को जोड़ें, तोड़ें, या पूरा ट्रैक बनाएं। मेरा बच्चा रोज़ कभी मेरे कमरे में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी लाउंज में, हमारे घर ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, मतलब 4-5 दफ़ा मैं गिर भी चुकी हूँ उसकी वजह ये कि हर जगह ट्रेन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये एक एक्सरसाइज है और ये एक बेहतर गेम है उसके लिए। मगर पता है आपको, दुनिया में ऐसे ऐसे गेम्स ईजाद हुए, ऐसे ऐसे टॉयज़ ईजाद हुए जिनको बाकायदा बैन करना पड़ा, क्योंकि वो बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे थे। हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। एक गुड़िया ईजाद हुई जो उड़ती थी, मगर उस उड़ने वाली गुड़िया की वजह से क्या नुकसान हुए, ये मैं आपको इस पैकेज में दिखाऊंगी। 90 की दिहाई में बनाई जाने वाली स्काई डांसर अपने साथ लगे हुए विंग्स की क्वालिटी की वजह से मशहूर हुई। इसके विंग्स को घुमाकर उन्हें हवा में उड़ाया जा सकता था, लेकिन चंद ही सालों में इसे बैन कर दिया गया। इसकी वजह ये बताई गई कि ये डॉल्स उड़ते हुए बच्चों की आंखों में लग जाती थी, जिसकी वजह से तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए। इसके सबब सन 2000 में तकरीबन 9 लाख डॉल्स को स्टोर से हटवा दिया गया। बच्चों को ये चीज बड़ी अपील करती है कि जैसे माएं उनको खाना खिला रही होती है, और पता नहीं हर बच्चे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें एक मामता डेवलप होती है सर्टेन टाइम के लिए। तो बच्चों को यही चीज़, जैसे माँ उनको खाना खिलाती है वैसे ही वो भी किसी को खाना खिलाएं। और आप देखिए, छोटे बहन भाइयों को वो ठूस रहे होते हैं खाना, कोशिश कर रहे होते हैं वो उनके हाथ से खाना खाएं। तो एक डॉल ईजाद हुई जिसके इस तरह के दांत थे कुछ के, वो मशीनरी दांत थे कि वो उसको खाना खिलाते तो वो खा जाती थी। मगर उसके बाद क्या हुआ, वो क्यों बैन हुई, वो क्यों हटा दी गई, ये देखिए। गोल मटोल सी गुड़िया गुड्डे किस बच्चे को पसंद नहीं होते?
स्नैक डॉल नामी एक गुड़िया 1995 में मार्केट में मुतारिफ कराई गई। इसकी खासियत ये थी कि इसके मुंह में कोई भी खाना डाला जाए वो इसे फौरन चबा के निगल लिया करती थी। इसके दांत काफी तेज थे जिसे छोटी छोटी मोटर्स के साथ बनाया गया था। इस डॉल को जल्द ही बैन कर दिया गया क्योंकि अक्सर ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जिसमें बच्चों की उंगली और बाल इसके मुंह में आ गए, जिसकी वजह से काफी बच्चे जख्मी भी हुए। इसलिए फौरन 2 साल बाद ही इन डॉल्स को बैन कर दिया गया। बिल्कुल, आपको जब भी आप अपने बच्चों के टॉयज खरीदते हैं आप देखें कि उसके ऊपर एज ग्रुप लिखा होता है, यानी कि अगर लेगो पीसेज हैं या कोई ऐसे ब्लॉक्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं उसके ऊपर बकायदा लिखा होता है 3+ या 2+ या 6+। उसकी रीज़न क्या है? छोटे छोटे पीसेज अगर बच्चों को दे दिए जाएँ जिनको इतनी समझ और अक्ल ना हो तो क्या हो सकता है? माई गॉड। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, हुआ ये कि आई डोंट नो कौन सा मुल्क था, मैं वहाँ से ट्रैवल कर रही थी, शायद जर्मनी था या यूरोप का कोई मुल्क था। मैं वहाँ से ट्रैवल कर रही थी, सिर्फ मैं और बलाज थे। तो बलाज ने कोई वाटर गन ख़रीदी थी, वो पैक वाटर गन थी और 4-5 टॉयज़ थे जो उसने ख़रीदे थे और वो लेके जा रहे थे। जैसे ही हम काउंटर पर पहुँचे जहाँ सामान चेक कराते हैं तो उन्होंने वो गन लेके रख ली और वो कहने लगे कि ये गन जो है हैंड कैरी में ले जाना अलाउ नहीं, हालांकि वो वाटर गन थी। मतलब उनको पता था कि बच्चों का टॉय, लेकिन गन्स किसी भी तरह की, चाहे वो वाटर गन ही क्यों ना, वो हैंड कैरी में ले जाने की इजाज़त ही नहीं। और फिर बलाज इतना रोया, पूरी फ्लाइट रोता रहा, क्योंकि मुझे उसको हाथ पे पकड़ने का शौक हो रहा था और मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि बच्चों का टॉय हम हैंड कैरी कर नहीं सकते, एक गन वाला टॉय। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने बच्चों का टॉय कोई हैंड कैरी कर रहे हैं अपने सामान में, मैंने भी इसलिए हैंड कैरी कर लिया था कि उसकी पैकिंग खोलूँगी तो नयापन ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हैंड कैरी कर लिया था। मगर पैकिंग खोल दे भले, लेकिन लगेज के अंदर रखें ताकि वो हैंड कैरी की वजह से आपके बच्चे से छिन ना जाए। इतना बराज रोया है, सोचे कितने घंटे की फ्लाइट थी, कोई 8-9 घंटे वो रोता रहा है, बाहर भीड़ चुप कर आती थी, सो जाता था फिर रोता रहा। तो गन से और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जो टॉय गन्स हैं, आइए देखें। 1950 में बनने वाली बच्चों के खिलौनों के तौर पर मार्केट में आने वाली ऑस्टिन मैजिक पिस्टल बच्चों में काफी मकबूल आम हुई, जिसमें बॉल्स को डालकर फायर किया जाता था। लेकिन इस गन में एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया गया था जो पानी के साथ रابطे में आने से भड़क सकता था और काफी नुकसान कर सकता था। इस वजह से इस गन नुमा खिलौने को हकीकी पिस्तौल जैसा खतरनाक करार दिया गया। जल्द ही मार्केट से इसको भी बैन कर दिया गया। हाँ जी, तो ये मैं बच्चों की बात आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा कपल अपने दो बड़े इंटेलिजेंट बच्चों के साथ मेरे पास आज यहाँ शो पे मौजूद है और इन बच्चों को मैंने ग्रो करते हुए देखा, बल्कि आप लोगों ने भी ग्रो करते हुए देखा। हमारे सामने इस कपल की शादी हुई, पहली दफ़ा बेबी होने वाला, दूसरी दफ़ा बेबी होने वाला है, और ये जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं ये बेबीज़ के साथ भी इन्होंने अपने काम को कायम और दायम रखा, लेकिन बच्चों के साथ जो इनकी मज़ेदार एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने में, स्पोर्टी बनाने में, इतना कॉन्फिडेंट बनाने में क्या क्या उन्होंने जतन किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली शो आपका मुंतजर, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। अच्छा, हमने कुछ चेंज किया है सेट पे, देखिए ज़रा मुझे प्लीज़ ये बताएं, गाइडलाइन दें कि ये वो यहाँ ब्लू ब्लू बहुत हो गया था तो हमने ज़रा ये अपना जो बैकग्राउंड है वो चेंज किया। इसके लिए मुझे मशवरा दें कि क्या ये अच्छा लग रहा है। अब सोच के बोलिएगा, ऐसा ना हो कि मुझे ये भी चेंज करना पड़े। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ, मेरे मैके वालों। कल मुझे किसी खातून ने कहा आप हमेशा मेरे मैके वालों क्यों कहती हैं, कभी मेरे ससुराल वालों भी कह दिया करें, वो भी अपनाइयत होती है। तो ओके जी, मेरे मैके और ससुराल वालों नहीं कह सकती ना, ससुराल वाले सिर्फ यासिर के खानदान वाले, मैके वाले तो कोई भी हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
और आज मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है जो एक साथ इंजॉय भी करते हैं, एक साथ मस्ती भी करते हैं और बहुत सारे गप्पे भी मारते हैं। तो ये वाले बच्चे बोलने वाले हैं, इसीलिए आज मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। आइए वेलकम करते हैं। वैसे तो आपका फेवरेट कपल है ही, लेकिन उनके बच्चे भी आपके फेवरेट हो जाएंगे जब आप उनकी बातें सुनेंगे। वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस अहमद हसन, हसन अहमद एंड सुनीता मार्शल विद राकिन एंड जैना। मैं हसन अहमद और अहमद हसन हमेशा गड़बड़ करती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम अब्बा की बेटी, अब्बा का बेटा है और अम्मा की बेटी, दोनों माँ के हैं दोनों। ये बंटवारा हुआ हुआ होता है ना? नहीं, इट्स बिकॉज़ आई डोंट नो, बट आई हैव अ वेरी, मेरा इसके साथ बड़ा एक बड़ी वाला रिलेशनशिप है और उसके साथ बड़ा प्यार वाला, तो इसके साथ इट्स ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली। अच्छा। हाँ, कि मतलब हम दोनों दोस्त हैं। ओहो, हाँ। तो ये रोब किसका है? मतलब अम्मा का रोब है ज़ैना पे और राकिन पे, के अब्बा का रोब तो आई थिंक मेरा ही है आई गेस। रोब एक्चुअली पता क्या है, हम लोग ना एज बहुत ज़्यादा कोई इन लोग को डांटते वांटते नहीं है, लेकिन अगर कभी मुझे जैसे गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी बात है जिस पे ये लोग नहीं सुन रहे, तो फिर मैं एक दफ़ा बोलती हूँ कि अच्छा अभी मैं बाबा को बताती हूँ, हालांकि बाबा कुछ कहते वहते नहीं है। मतलब कि ये आम सारी माएँ जितनी भी होती हैं वो अब बाबा को उन्होंने एक विलन क्रिएट विलन बनाया हुआ है। और किसी दिन जब बाबा का मूड नहीं होता ना, तो बाबा कहते हैं कि मुझे क्यों बता रही हो भाई। मतलब लाइक मैं सिर्फ इसलिए रह गया हूँ, बैठ को ये तो होता है। अच्छा, माशाल्लाह कितने साल के हो गए राकिन? 10। बचपन की दिखाऊं आपको वीडियो आपकी, जब आप यहाँ आए थे, याद है आपको? यू बी एम्बैरस्ड? नहीं, मगर याद है क्योंकि इसको बहुत शौक है इधर आने का। नहीं यार, राकिन बहुत शौक से आते हैं बाकी। तो अच्छा, वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आज आपसे गेम्स खिलवाऊंगी, क्या करूंगी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आज के राकिन में, क्या बात करने में? तो मुझे लगता है कोरोना वायरस की बात करेंगे। तो क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? 2 साल होने वाले हैं, बस हो गई, अब कितनी बातें करें कोरोना वायरस की, है ना? काफी अब लोग थक गए हैं। आपको क्या लगता है ज़ैना, मैं क्या आज आपसे शो पे करवाऊंगी, क्या होने वाले? जोर से बोलिएगा। गेम्स। वैसे आप लोगों को मजा किस चीज में आता है, क्या ऐसी एक्टिविटी अम्मा अब्बा के साथ करते हो कि आप लोग बहुत एंजॉय करते हो? उनो। हाँ। और आपको? लूडो। लूडो, ये सेशंस होते हैं लूडो। मुझे मुझे पसंद है सीक्वेंस। हाँ। तो मैं बार बार इसको कहती हूँ मेरे साथ सीक्वेंस खेल लो। हाँ। इसको अब सीक्वेंस का दिल हट गया इसका। और वो कहती नहीं लूडो खेल। नहीं, सुनीता कीप्स अस एंगेज्ड काफी ना, कैरम बोर्ड ले आएगी। अच्छा। फिर एक दिन कहती है कैरम बोर्ड खेलेंगे हम। तो सुनीता की अच्छी बात ये कि वो एक्टिविटीज में एंगेज रखती है सबको एज अ फैमिली। मतलब सीक्वेंस मुझे पसंद नहीं है और मैं हमेशा हारता हूँ उसमें। तो सुनीता लेकिन कहती है खेलो हमारे साथ। हाँ। खेलो, मैं खेल लेता हूं। अच्छा, कैरम बोर्ड में हसन अच्छा है। हाँ। लेकिन इत्तेफाक से एंड में मैं और ज़ैना जीत जाते हैं और ये लोग हार जाते हैं। तो ज़ैना और मम्मा पार्टनर होती है। हाँ। मेजॉरिटी। वो गोटी इतनी राउंड होती है जैसे वो अगर कोई। बट द मेन पॉइंट इज टू टेक इट इन द होल ना, सो वी डू दैट। तो आप दोनों हार जाते हैं, आप दोनों की टीम हार जाती है जी। पता नहीं आप कैसे, आप किस चीज में जीतते हैं? आप लोग कभी कभार उनो, कभी कभार लूडो। नहीं, हम जीतते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, मगर मेजॉरिटी टाइम्स हम ज्यादा जीतते हैं। नहीं, ऐसी गलत बात नहीं, ऐसी ही बात है। अच्छा, शॉपिंग पे किसके साथ जाना पसंद करते हो भाई, राकिन और ज़ैना? ये तो ऐसे अपनी वही कपड़े पहनती है जो मुझे अच्छा लगता है। कौन कौन कौन? जोर से बोले। मैं कह रही हूँ शॉपिंग पे किसके साथ, आपकी अपनी शॉपिंग के लिए आपको जब जाना होता है तो ज्यादा आप किसको चूज करते हो, डैडी को के मामा को? मामा को, क्योंकि भाई बॉयज की जरा चॉइस एक होती है जी। तो अक्सर तो मैं तो अपने बच्चों बेटों को डैडी के साथ भेज देती हूँ क्योंकि उनकी आपस की चॉइस होती है ना। बट आपके जूते होते तो मैं ही मंगाता हूँ। हाँ, जूते। हम लोग ना वैसे कम शॉपिंग पे जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते। ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं और कोरोना में तो बिल्कुल भी, अभी 2 साल से तो ये लोग शॉपिंग मॉल तो गए ही नहीं। हम गए एक आध दफा, मतलब नॉट ऑन रेगुलर बेसिस।
लेकिन इन लोगों को आउटडोर अगर जाने का शौक है तो किधर जाने का शौक है, यानी कि तुम लोग कहो वहाँ जाने को और ये नींद में से उठ के भी तैयार हो जाए कहीं भी बार सीव्यू पे बग्गी राइड ओहो है फेवरेट है इसको तो बहुत शौक है ये भी जाती है शौक से I think they're quite simple. इनको अगर आप ये भी बोलो ना कि McDonald's की आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो कहेंगे चले चल चल दे वेरी एक्साइटेड दैट अच्छा तो मुझे ये बात अच्छी लगती है कि छोटी छोटी चीजों पे खुश होना ना वो हम भी ऐसे ही करते थे बहुत अच्छी चीज है और कोई हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं जाना होता इनको इनको बस पसंद है या तो ये लोग खाने पीने में तो बच्चे वैसे ही चोर होते हैं तो इनको बस या तो फ्राइज खाने होते हैं या ज्यादा से ज्यादा सूप चिकन कॉर्न सूप या फिर चिकन ऐसी जगहों पे जब इनको कोई चीज मिल जाएगी तो दिल भी हैप्पी अब हम लोग एक रेस्टोरेंट गए मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन वहाँ पर ना किड्स मील में कोई बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं थी अच्छा अब वो था जरा हाई फाई रेस्टोरेंट तो इन लोग ने उसको जीरो दे दिया उन्होंने कहा वी विल नॉट कम हियर अगेन हम दोबारा आएंगे ही नहीं कि ये तो हमारी तो मैंने कहा ठीक है बस मैं और बाबा आ जाएंगे आप लोग उस दिन घर पर रहना अच्छा जैसे जब ये ग्रो कर रहे थे सारे माइलस्टोन्स होते हैं दांत निकलना चलना ये वो रातों को जगाना दोनों में से ज्यादा किसने जगाया है आप दोनों को राकेश आई थिंक विद द बर्पिंग ही वाज मोर डिफिकल्ट जो बर्प थी आपको बताया मम्मा डैडी ने कि आप तो डकार ही नहीं लेते थे क्योंकि डकार डैडी दिलवाते थे ना तो जल्दी जान नहीं छुड़ाते हो रात में हसन नहीं नहीं मैंने आज तक जान नहीं छुड़ाई बर्पिंग में हाँ हसन ने खुद अपनी मर्जी से का काम है ना ये बर्प कराना मैंने कोई घंटा घंटा भी इसको मैंने बर्प के लिए वेट किया है कि इसको बर्प आएगी तो फिर मैं सोऊंगा बिकॉज मुझे वो जहन में था कि बर्प नहीं आएगी मुझे बोला गया था ना वो नहीं होता कि ट्रेनिंग होती है सोल्जर की कि अम्मी ने भी बोला था सुनीता ने भी बोला था कि जब तक बर्प नहीं आएगी सोएगा नहीं तो मेरे जहन में बैठ गया था बर्प नहीं आएगी तो सोएगा नहीं बर्प नहीं आएगी तो उसको लिटाना नहीं है वॉमिट हो सकती है ना तो वो डेंजरस था ना अच्छा लेकिन हसन ने अपनी मर्जी से ये ड्यूटी ली थी अच्छा मैंने नहीं कहा था इवन इसके टाइम पे हसन की शूट्स चल रही थी और मैं बीच में रात में बोलती थी हसन को कि कोई बात नहीं मुझे दे दो तुम्हारी शूट है तुम सो जाओ लेकिन वो अपनी मर्जी से शौक से मतलब ये अब्बा ने दोनों बच्चों की बर्प की ड्यूटी खुद संभाली बड़ा मजा आता था मुझे छोटे छोटे होते हैं ना आप ही गोद में और यूं खा के यूं देख रहे होते हैं और ये कभी कभार जब नहीं सो रहा होता था तो हसन ना इसको यूं 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 जोर जोर से नहीं यूं करके हिला रहा होता था गिटार भी बजाया मैंने उसको लेके गोद में मेरा नेफ्यू बिल्कुल ऐसा ही था अच्छा। तो मुझे उसके साथ एक्सपीरियंस था राकिन वैसे ही निकला एग्जैक्टली राफो तो जोर जोर से हिलाओ ना झूले दो इनको तो फौरन सो जाता था तो इसका मतलब कि आप वो वाले अब्बा नहीं थे जो कहते हैं ये तो भी बच्चा तो छोटा है मैं तो हाथ में ले ही नहीं सकता अभी मुझे प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि आपने अपने नेफ्यू पे प्रैक्टिस कर ली थी हाँ एंड देन आई वाज स्केयर्ड जब पहली बार मेरी गोद में आए थे ऑब्वियसली मैं उधर ही था ऑपरेशन थिएटर में था अजान मैंने दी थी तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा था बिकॉज दे वर वेरी टाइनी और लोग असल में लोग बड़ा डराते हैं ना कि छोटे अभी ना लोग अभी ना लोग गर्दन है ये वो हाथ रखना पड़ता है तो आई वाज कॉन्फिडेंट उसके बाद से मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई एक बार हुआ था जब ये हम कहीं जा रहे थे और मैं फुटबॉल देख रहा था शायद पहले भी आपको बताया था इसकी मैंने टांग पकड़ी हुई थी और मैं फुटबॉल देख रहा हूँ और मैंने टांग छोड़ी हुई एक साल का था कितने साल का था अच्छा मुझे नहीं बताया मैंने नहीं सुना ये आई थिंक एक साल का होने वाला था आई थिंक आठ महीने का था क्रॉलिंग स्टेज में था अच्छा और मैं सोफे पे बैठा हुआ और टांग पकड़ी हुई एंड सडनली आई हर्ड डज तो ये बाय फेस जो है जाके नीचे मतलब आपकी टांग आपके पास रह गई और ये नहीं मैं सिर्फ वो मेरी ग्रिप खत्म हो गई हसन ने अपनी सोच में टांग पकड़ी हुई थी थी नहीं हाथ में तो क्या था भाई हम कहीं जा रहे थे तो मैं तैयार हो रही थी मैंने कहा अब तुम थोड़ी देर पकड़ो तो मैं तैयार हो जाऊं तो हसन फुटबॉल में इतना मगन हो गया कि उसने टांग ही छोड़ दी ना तो ये क्रॉलिंग करता करता सोफे से धड़ नीचे ओ माय गॉड हां बताया ये आपको फिर कुछ हुआ तो नहीं दांत वहाँ टूटा या कुछ नहीं घुमड़ा बन गया था यहाँ पर यहाँ पूरा घुमड़ा बन गया था वो वाली चीज होती है ना जैसे लाइक सबसे पहली दफा पलटना शुरू किया जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका बच्चा पलटेगा मैं जब मेरा पहला बच्चा था और मैं घर में अकेली थी यहाँ से रिकॉर्डिंग पे था और हमारे घर के करीब ही रिकॉर्डिंग कर रहा था और मेरे घर में कोई हेल्पर कोई भी नहीं था तो मैंने उस वक्त फरीद जो है वो पलटता नहीं था मैंने उसको लिटाया और मैं किचन में खाना पकाने मेरे पास कोई था ही नहीं कि खाना पकाते तो मैं इनका चलो खाना पका लेती हूँ
उसके बाद मुझे एक जोर के, इतनी जोर के रोने की आवाज़ आई, और जब मैं गई कमरे में, मेरा बच्चा ही नहीं कमरे में, और मैंने कहा ये किधर चला गया, समझ ही नहीं आ रही, मैं ढूंढ रही हूँ कि रोने की आवाज़, वो बिस्तर के नीचे चला गया, वो पलटा नीचे गिरा और बिस्तर के नीचे चला गया रोल होके, आई डोंट नो उसको एक खर्राश नहीं आई, और वो रोई जा रहा क्योंकि वो डर गया होगा शायद उसने चादर पकड़ ली या क्या किया, तो उसको डस करके नहीं लगी होगी. और फिर मैंने यासर को बताया, वो शूटिंग छोड़ के भागा आया कि मैं इसको चेक करूं कि कुछ हुआ तो नहीं. तो वो पहली दफा बच्चे का पलटना, तो इनका तो गिरना आपने बता दिया, ये तो नहीं कभी कुछ ऐसा नहीं, ये माशाल्लाह ये शुक्र है. नहीं ये दादी जान के बेड से नहीं गिरी हुई, नहीं नहीं ये मैं था एक्चुअली, बहुत मैं थी, आप ही थे दादी जान के बेड से भी आप ही, मेरा ये टूटा था चेस्ट, नहीं वो ये कॉलर बोन, वो आपको ऊपर वाले सोफे से टूटा था. ओए ओए, मतलब आप, आपकी ये काफी दफा आप गिर चुके हो. ये हम एक दफा सेशंस गए थे, तो सेशंस से हम एक्चुअली ये होने वाली थी. अच्छा. तो मैंने सोचा कि हसन हम यू नो फिर दो बच्चों के बाद अकेले निकलना जरा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी वो भी छोटा है, तो हम एक दो तीन दिन का ट्रिप एक कराते हैं. हम तीन दिन के लिए सेशंस गए, तो खैर आई थिंक, और जिस दिन हम वापस आ रहे थे उस दिन ये बेचारा सोफे से नीचे गिर गया, और इसकी ये कॉलर बोन जो होती है उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया, और ये कितना था, कितना बड़ा था, 1.5 साल का. तो खैर हम वापस आए तो इसको एक्सरे के लिए लेके गए, तो वहाँ पे उसने कहा हाथ सीधा करें. हाँ. तो जब हाथ सीधा मैंने पकड़ा ना, तब आइडिया हुआ कि इसको फ्रैक्चर है, बिकॉज ही वाज स्क्रीमिंग इन पेन. फ्रैक्चर में कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत दर्द है तो पता लग जाएगा कि फ्रैक्चर है आपको. फिर एक बार ये हुआ, फिर एक बार अगेन हम लोग अलग रोम में थे हम लोग. हाँ. एंड जैसे ही हम लोग निकले उसको बुखार चढ़ गया, और ये भी साथ था? नहीं नहीं, अच्छा ये घर पे था, लेकिन ये हुआ तब है जैसे ही आप लोग निकले और पहुंचने वाले. ये हमारी 10th एनिवर्सरी थी. अच्छा, उस पे भी मैं ही जबरदस्ती लेकर अम्मी ने कहा कि इसको बुखार हो गया, और मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, ही लुक वेरी पेल. अच्छा, मेरी इससे अटैचमेंट बहुत है, मुझे होता है ना कि यार ये, क्योंकि ये सेंसिटिव है. अच्छा, मैंने उसको देखा, मैं रोना शुरू हो गया वहाँ, उधर वो नहीं ट्रेवी फाउंटेन वाली जो जगह है वहाँ रोना शुरू हो गया. सुनीता गिरी क्या हो गया, मैंने कहा यार बुखार हो गया उसको, यार हम निकले हैं तो. हाँ. तो बच्चों के साथ मुझे बड़ा होता है मतलब कि लाइक बच्चों में पैनिक जो है वो हसन का, हसन का. हाँ. अब बेहतर हो गया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा. हाँ, बाकायदा रोते हैं. नहीं, मुझे होता था कि ये क्यों रो रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है. सुनीता कह रही थी होता है, मैं कहता नहीं क्यों हो रहा है, व्हाई, गिव मी योर लॉजिकल रीजनिंग. मतलब लाइक एक लंबा चौड़ा आदमी जो है, लेकिन उसका दिल अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया औलाद के लिए. तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जैसे भी फिजिकल अपीयरेंस हो, बापों का दिल भी ऐसा होता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि माएँ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं. लेकिन ये है कि हमारे केस में हसन ज़्यादा एक्सप्रेसिव है. अच्छा. अभी ये बल्कि दो दिन पहले लास्ट वीक ये साइकिल से गिरी, तो इसके पैर जो है ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया. अच्छा. तो हसन ने ही इसको आयोडेक्स लगा के इसकी क्लियर बैंडेज की. रोज होती है मसाज के? नहीं अब तो नहीं, अब दो दिन हुई एंड शी वाज फाइन. अच्छा, बच्चों की क्या क्या खिदमत है की है, मतलब अगर मैं कहूँ कि बर्पिंग तो कराइए, लेकिन कोई और खिदमत की है, कभी सुनीता बीमार है या शूट पर है तो कभी नहलाना पड़ा या कुछ ऐसा चीज? मैंने बहुत आई थिंक बहुत खिदमत की है. क्योंकि मेरे जो फैशन शोज होते थे तो मुझे 5 दिन के लिए लाहौर जाना पड़ता था. तो उस वक्त हसन का हम लोग पहले से ही आपस में डेट डिसाइड कर लेते थे कि भाई इस टाइम पे शो आ रहा है, तो ताकि हसन घर पे हो, या अगर हसन ट्रैवल कर रहा है तो मैं लाजमी घर पे हूँ. और जब इनका द वर्स्ट इज जब इनका स्कूल, अभी आजकल तो छुट्टियां हैं और वैसे भी ऑनलाइन था, लेकिन उसमें इनका आता था होमवर्क, तो सुबह मैं उठता था इन्हीं के साथ. इनकी क्लास खत्म होती थी, हम बाहर आते थे लाउंज में, और लाउंज में होमवर्क करा करू के मैं 1-1.5 बजे फारिग हो रहा होता था, और मैं कहता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ. फारिग हो गए, खाना वाना खा के उसके बाद मैंने बोला सुनीता को 2-3 दफा, मैंने सुनीता का, मैंने कहा यार सलाम है तुम, कदर हो गई मुझे. क्योंकि अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं क्या करती हो तुम, करती क्या हो. अक्सर हस्बैंड्स का ये होता है बेगमात को, लेकिन ये है कि जब खुद आप उनके शूज में जाके देखेंगे तो लग पता जाए. बट देन मैंने काफी किया है, मैंने इनफैक्ट इवन ये किया है, सुनीता और मेरी दोनों की शूट है और राकिन बीमार है. हाँ. तो आई हैव टोल्ड हर कि तुम जाओ शूट पे, मैंने अपनी शूट कैंसिल कराई है. ओ. और मैं लेके गया हूँ. हाँ. इन लोगों को तो आई हैव डन माय बेस्ट. पैंपर वगैरह भी चेंज किए हैं असल में. और वैसे एक वाकई बड़ा, एक हमारा बड़ा टफ काम है कि अक्सर दूसरी जॉब्स पे हैं आप, शायद छुट्टी कर लें बच्चों की वजह से, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच होती है, पैसा अटैच होता है किसी और का, प्रोड्यूसर का, तो हमें थोड़ा सा ना ये
ये वाली चीज़। अरे आप ये सोचें, इसके टाइम पे मैं लेबर रूम में थी और हसन को दो सीन्स करवाने जाना था और वो जिस मूड में था बस हसन गया है। पहला बच्चा। मैं आया हूँ हॉस्पिटल में तो वो जो डॉक्टर वाज बिकॉज़ हम लोग वो जानती थी हमें तो वो बड़ा पर्सनल हमारे साथ थी, तो जब मैं हॉस्पिटल में घुसा तो पीए अनाउंसमेंट मेरे नाम पे हो जा रही है, हसन वेयर आर यू, एक बड़े गुस्से वाली आवाज है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सो आई इमीडिएटली वेंट इनटू द रूम, कहती हूं व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई यू लेट, मैंने कहा सॉरी वो दो सीन कराने थे मुझे, व्हाट इज दिस। तो खैर हाँ, हम लोग आई थिंक जो शुरू शुरू के बच्चे होते हैं और जिस तरह आपने कहा ना कि फरीद जब था छोटा था या सिर्फ काम पे थे, आपके पास हेल्प नहीं थी, इसी तरह हमारे साथ भी था कि यू नो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग नहीं थे, अब तो हमारे पास माशाल्लाह से आपके पास भी हमारे पास भी सो मेनी पीपल जो कि हमें हेल्प आउट कर देते हैं। भाई जब हमारे ये बच्चे होते हैं पहले पहले तो उस वक्त हम स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, उस वक्त इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि हम हेल्प रखें, बचा रहे होते हैं, अच्छा जी आगे ये फ्यूचर ये वो, तो वही वाली बात है। लेकिन जब बलाज हुआ तो बहुत ही मतलब उसके बहन भाई भी बड़े थे तो बड़ा मजे वाला सीन था। वो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भाई मैंने जैना आपसे और राकिन से पूछना है क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना है जिंदगी में, तो इनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो यहाँ आज एक बहुत ही प्यारा सा कपल है हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ, और इन चारों से हम बड़े मज़े मज़े की बातें करें। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मैं राकिन और जैना से पूछने वाली हूँ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं आप बड़े हो। राकिन क्या प्लान है अब? मैं सोचा था पायलट बनने चाह रहा लेकिन मैं शायद अब एयरलाइन या बैंकर बनूँ। मतलब पहले आप सोच रहे थे कि मैं पायलट बनूं। एयरलाइन से मतलब आप? अब आप एयरलाइन का मतलब वो मैं एग्जांपल वो बिफोर यू एंटर द प्लेन ना, द पर्सन द क्रू मेंबर, यस द फिर वो टिकटिंग ऑफिसर। अच्छा द टिकटिंग ऑफिसर। अच्छा आई थिंक अ पायलट इज अ बेटर ऑप्शन। पायलट से ये क्यों चेंज किया आपने, क्या वजह है इसका चेंज करने की? मजा आ रहा होगा ना पासपोर्ट के पेजेस पर करंट स्टैंप लगाना, ग्राउंड पे चाह रहे हो आप नहीं चाह रहे कि आप दिमाग में प्लान बना हुआ है कि मैंने ये बनना है, वो लास्ट प्लान क्या है? वही ग्राउंड पे नहीं, बैंकर। बैंकर, ओहो, बैंकर वाला शौक इसके अंदर क्यों है? कोई है घर में बैंकर? नो आईडिया। हाँ, बैंकर वाला क्यों? पैसे कड़क कड़क नोट गिनना, इसलिए वो अट्रैक्टिव है। आपको पैसा अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ? ये आपको बाद में पता चलेगा कि जिसके अम्मा अब्बा शोबिज में हो उनको तो ये लगेगा कि बैंकर तो बहुत ड्राई जॉब है। मतलब कि वो बैंकर आपको नहीं तो थोड़ी बोरिंग जॉब है? कोई आइडिया नहीं है कि बैंकर की जॉब होती क्या। मोनोपोली खेलने से उसको लग रहा है अभी, लग रहा है बैंक का टाई लगा के मतलब 9 to 5 जॉब। बट यू नेवर नो, क्या पता उसको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट हो कि वो एंजॉय करे। हो सकता है अकाउंटिंग्स में। बट देन व्हाई बैंकर, शी इज आस्किंग कि बैंकर क्यों, किसको देखकर आपको ये इंस्पिरेशन मिली है? बैंकर में मुझे पैसे ट्रैक करने में लगा, गिनने में ना। हां हां, ये संभाल के रखते हो क्या? दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हां वो बैड है भाई। अच्छा ओके, अच्छा बोलो ये भी सोच लिया कि डॉक्टर तो हूँ लेकिन स्पेशलाइज हार्ट सर्जन बन। और ये किसको देख के इंस्पिरेशन हासिल की है, कौन है फैमिली में डॉक्टर, किसको देखा है? आई थिंक दादी जान को भी काफी है कि हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर है। आई थिंक वो शायद उन्होंने बचपन में बोला है तो ये इसका काफी अच्छे से दिमाग में इसने फिट किया हुआ है, व्हिच इज वेरी गुड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई होप इंशाल्लाह यू विल बी अ हार्ट सर्जन। इंशाल्लाह पढ़ाई में अच्छे हैं जैना। हां हां, इज अ गुड स्टूडेंट। भाई तो डॉक्टर बन जाए, पढ़ाई में अच्छे होते हैं बच्चे तो बन जाते हैं डॉक्टर। हां है ना। चलो मैं आप दोनों से कुछ सवाल कर रही हूं, ठीक है? आप लोगों के पास एक ऐसी चीज़ है जिसपे एक तरफ मम्मा की तस्वीर एक तरफ डैडी की तस्वीर, ठीक है? ओके हाँ, जो जवाब होगा वो आप दिखाओगे, ठीक है? ओके, इनमें से इन दोनों में से ज्यादा कौन डांटता है? अच्छा भाई ये या
सोच लो, कभी डैडी कभी मम्मा। मुझे तो पता है ये मम्मा जी मम्मा है भाई। ऐसा होता है कि मम्मा हर वक्त डांटती होंगी ना, डैडी को एक एक डोज देना होता होगा कुछ साला साल में। अच्छा डांटती मामा है लेकिन डर फिर भी बाबा का ही है। हाँ, ये मेरा कोई डर नहीं है। ये हर घर में ऐसा क्यों होता है? वैसे घर अब्बा का होता है यार, डेवलप हुआ शायद हमने कह के आने दो तुम्हारे डैडी को, आने दो। मेरा ख्याल है ये मैं भी यही जुमला बोलती हूँ, अभी मैं बताती हूँ बाबा को, बस वो वही रुक जाते, वो वही पे डेवलप हो जाते। ओके, हर फरमाइश ज्यादा कौन पूरी करता है? Who listens to you more? Like if you want something, who agrees? Mama तो definitely नहीं हुई। क्या? Baba। अच्छा यहाँ ज़ैना की फरमाइशें जो है वो mama। ज़्यादा तो मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन आप तो नहीं पूछती, आप दिल लगाती हैं। बाबा फौरन से कर देते हैं। चलो अच्छी बात है ना। तो यहाँ ज़ैना की फरमाइश तो मामा कर देती है पूरी, लेकिन राकिन को सिफारिश करनी पड़ती है, सोर्स लगानी पड़ती है दादी के साथ, है ना? ओके हाँ, घर के रूल्स कौन डिसाइड करता है? कितने बजे सोना है, कितने बजे पार्क जाना है? हाँ ओके, पार्क बाबा। अच्छा, और बाकी द रेस्ट मतलब आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बाबा फोर्स करते हैं और वही बनाते हैं और बाकी मामा। ओके हाँ, कौन ज्यादा लाडियाँ उठाता है, थोड़े से नखरे उठाता है, हैं? फुल हग करके प्यार करना, लाडियाँ कौन नहीं कौन? किसको आप लोग ज्यादा हगी करते हैं? नहीं आप लोगों की लाडियां होता है ना। मामा ने बड़ा टैक्टिकली ये सवाल अपनी तरफ मतलब बच्चों की लाडियां कौन उठाता है? हाँ बच्चों की लाडियां, आप लोग जो चीजें आप लोग कहते हैं ये कर दें वो कर दें, खाना पीना वो कौन ज्यादा करता है? होता नहीं कभी कभी लाड, ये भी होता है अपने हाथ से खाना खिला दिया या चलो मामा कर लो यार। एक्चुअली ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, है वो वाला नहीं है लाडियों वाला नहीं। अच्छा हम दोनों ही हैं, कोई जाना होता है हम कर लेते हैं। एक्चुअली ये ज्यादा ना फरमाइशें करते नहीं। ओके हाँ, तो इनकी जरा बहुत अच्छे काम बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे ये तो। हम मेरे दोनों वाले बच्चे जो हैं उनको तो जरा प्यार या लाड कर लो, ऐसे बड़े हो गए ना। छोटा वाला नहीं, ये छोटे थे तब भी ऐसे थे। वो छोटा वाला तो उसको हर वक्त पपिया चाहिए, जपिया चाहिए, ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि वो दो किस पे चले। ओनली विद द मदर। हाँ मेरे साथ उसको, हाँ मेरे साथ हगी और किसी। मैं बताऊँ मुझे फरवरी में मुझे कोरोना हुआ था और 14 दिन मैं क्वारंटीन में थी। तो ये बेचारे रोज दिन गिनते थे कि अब कितने दिन रह गए, अब कितने दिन रह गए। और फिर जब फाइनली मैं क्वारंटीन से बाहर आई तो खूब हगी। हाँ मैं भी दिन गिनता था कि कब इसका खत्म हो तो मैं बाहर जाऊँ, बिकॉज़ आई वाज स्टेइंग विद हर। हाँ ओए ओए, और ये कभी चाय ले आओ, कभी और कमाल के स्टे कर, मतलब लाइक खिदमत गुजारी के लिए। हां बिल्कुल, हसन ने बहुत किया भाई। हां बहुत। आपको कोरोना नहीं हुआ था? नहीं, मैं एक्चुअली बेसिक मेरा रीजन ये था कि मुझे अपना बाथरूम और अपना बिस्तर नहीं छोड़ना था। लेकिन सुनीता ने मुझे कहा था कि तुम रुक जाओ, इट वुड बी बेटर। तो वो सारी चीजें थी क्योंकि अकेलेपन बड़ा मसला होता है भाई। तो मैंने रुक गया मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन था कि मुझे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं आई वाज विद हर फॉर 14 डेज और मुझे एक सिम्टम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारे काम भी किए। हाँ मैंने सारे काम भी किए, मैंने इनको भी बाहर रखा हुआ था एज इन ये। अच्छा, आप भी नहीं मिलते थे? नहीं मैं नहीं मिलता था। अगर मैं कभी घर रूम से बाहर निकल रहा हूँ तो आई वुड हैव अ मास्क, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइजेशन, वो स्प्रेज मैंने लिए हुए थे। तो मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली 11वें 12वें दिन मेरी बस हो गई थी कि बिकॉज वो बेचारी हमारी जो सोनिया है हमारे घर में, वो नीचे जाके खाना लेके ऊपर लेके आए। शुक्र है कि दादा दादी सब लोग इकट्ठे हैं। हाँ। तो अम्मा अब्बा को अगर कुछ हुआ तो वो लोग इनके साथ हैं, वरना अच्छा हमारा ये था कि हमारे टेरेस हमारे कमरे में भी एक दरवाजा है जो टेरेस पे खुलता है, और हमारे लाउंज से भी एक दरवाजा है जो टेरेस पे खुलता है। अच्छा, तो उसकी वो जो जाली वाली खिड़की होती है वहाँ से हम लोग कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि मैं उस वक्त होमवर्क भी चेक करती थी कि होमवर्क किया पूरा या नहीं किया, सबमिट किया या नहीं किया। मेजोरिटी तो खैर हसन देख रहा था, लेकिन सुबह सुबह उठ के मैं जरा जल्दी उठ जाती थी, तो वो सब काम हो रहे होते थे हमारे। हमारा तो ये होता ना सिस्टम, सीढ़ी के नीचे बलाज खड़ा होता था, सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ी होती थी, और उसके बाद हम इशारों से पप्पियाँ और यूं कर रहे होते थे। वो भी ऐसे ही कर रहा था दूर दूर से, क्योंकि जाहिर है वो भी छोटा था ना हम लोग जब कोरोना हुआ था, हमें तो जंजीरों से
सबको पता लग गया था क्या वो नया नया था ना उस टाइम, सब डर गए थे. हमारे घर के बाहर जंजीरें लगाते थे. जंजीरें हमें नहीं पता, सील कर दी थी हमारी गली. पहले तो पूरा पूरी मैं आया था आपके घर पे, वो एक दिन लंच देने आया था. आपकी मेड आई थी नीचे, तो मैंने उनको पकड़ाई थी, तो वो उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था ना सारा इनका. पहले तो पूरा ही कॉलोनी जो है वो सील कर दी, बंद कर दी. फिर सबने कहा यही है भाई, ऐसे कैसे. फिर हमारी खाली लेन सील कर दी थी. ये चक्कर हुआ था. अच्छा अभी बच्चों, हाँ जरा होता ना, अब उनको मैं घूरियाँ कैसे समझाऊँ. घूरियाँ जैसे ना आंखों से ऐसे देखो और आके मेरी तरफ, हाँ इधर वापस आ जाओ. ऐसे ना यूं जैसे कभी मेहमान आए हुए हैं और कुछ समझाना है. यूं ऐसे ऐसे ये ज़्यादा कौन करता है, पापा करते हैं कि मामा. मैं ही करती हूँ और कौन करेगा. अक्सर मेहमानों के आगे कोई चीज रखी है, पहले से ही बच्चे बोल देते हैं ये तो खाते ही नहीं है, इनको तो बोलना पड़ता है प्लीज खा लो चख लो. सिर्फ गोरिया पे किस बात पे देती हूँ. नहीं वो तो कोई और बात, बाहर गए हैं कहीं गलत तरीके से बैठे या कुछ भी, तो वैसे घूरियों से मुझे सख्त चिढ़ है. मुझे इतनी चिढ़ है घूरियों से कि मतलब भाई क्यों घूर, क्यों क्यों इस तरह, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस विद द किड्स. आपको भी घूरियां जो है मिल चुकी है अम्मा से. मुझे मिल चुकी है. अम्मी जो है वो शायद देख रही होंगी, तो अम्मी करती नहीं, तो वो जब वो करती थी मैंने वो चीज उनकी इनके साथ खत्म कराई है. मैंने कहा यार ये ना किया करें. हाँ. ये डर जाते हैं और ये तो बहुत डर जाता है. अच्छा गोरियों से ये तो बहुत डर जाता है. आपने अपना फेस क्यों कवर किया हुआ, इसको आपका फेस ही नजर नहीं आ रहा, मामा का फेस आ रहा है. So he gets really scared. हाँ. ऐसी चीजों पे ना, तो मैंने कहा कुछ बच्चे, हर बच्चा अलग होता है, ये सेंसिटिव है. हाँ. वो नॉर्मल है. हाँ. तो वो इसको जब घूरियां पड़ती है ना तो ये बहुत घबरा जाता है कि ये कुछ होने वाला है. अच्छा भाई पढ़ाई के लिए ठीक है, कौन ज्यादा सख्त है कि होमवर्क कर लो, टेस्ट की तैयारी कर लो, स्कूल की छुट्टी नहीं करनी. वी ऑल नो द आंसर. मामा या डैडी. कभी कभार. अच्छा मम्मा सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, तो आप मुझे बिलीव ही नहीं करती. बहुत दर्द याद है एक दफ़ा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और फिर भी मुझे स्कूल भेज रही थी. इतना दर्द हो रहा था जैसे मेरा पढ़ाई में इतना एनर्जी नहीं थी. कभी कभार बच्चे बहाना भी करते, क्योंकि हमने भी किया है अपने पेट में. बहाना तो सब बच्चे करते हैं. कभी बहाना किया नहीं इसके अलावा. चलो ये तो एक दफ़ा सच्ची बात हो गई ना, उसके अलावा कभी नहीं बहाना किया. ऐसी झूठी मूठी का दांत का दर्द राकेश ने नीचे रखा. राकेश कभी तो किया होगा. सच्ची सच्ची बता दो आज. सही हंसी आ रही है. किया है, किया है. छुट्टी करने में स्कूल की वजह से बड़ा मजा आता है ना. वैसे क्या मजा, छुट्टी की नहीं ना, छुट्टी तो होती नहीं ना, कभी की नहीं. की नहीं, हमें बड़ा मजा आता था जब हम छुट्टी करते थे. इस तरह बहाना करके हमारे सामने मासी झाड़ू लगा रही होती थी. ला इतना अच्छा लगता था. जब छोटे थे फिर ये कहते थे हमने झाड़ू लगाना, हम लगाएंगे. वही शायद बच्चों को शायद यही शौक होता. तो आप बताओ आपने बहाना, छुट्टी का बहाना नहीं, शौक है पढ़ाई का. हाँ. यहाँ पे बहाने ज्यादा होते हैं. आपको मजा आता है ना स्कूल में. आप दोनों आपस में कोई ना कोई प्लान करते हैं, पर कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे. और जी मामा जो मेरे दोस्तों का प्लान है ना, वो आप उसकी बातें छोड़े ठीक है. मैं आपकी बातें तो कर ही नहीं रही. अब तो ज़ैना और राकिन का प्लान हम डिस्कवर कर रहे करते हैं. रात में प्लानिंग होती है. अच्छा अपनी बातें हो रही होती है, बट वो वाली प्लानिंग नहीं होती कि बोल देते हैं जो भी चीज होती है ना. वैसे एक दफा ट्यूसडे, पता नहीं कोई ट्यूसडे का दिन था, पता नहीं 2019 था या क्या था. और एक दिन ना मैं मामा और बाबा के टॉयलेट में वो जा रहा था. हाँ. तो मैंने कहा आई फील सिक, क्योंकि मुझे लग गया था. अच्छा. लेकिन उन्होंने कहा था नहीं जाए. ऐसे उस वक्त थोड़ी सी नाइस हो गई थी. क्योंकि आपने देख लिया था ना हमको कि हम ऐसे प्लानिंग शानिंग तो आपको नहीं देखती ना. लेकिन बचपन में तो आप ज्यादा देखती थी हमको प्लानिंग करने पर. तो इसको एक्चुअली ना बचपन से ही उल्टियाँ और वो सब बहुत ज्यादा. अच्छा. रही है डायरिया उल्टियाँ. तो एक मुझे याद है कि मैं इसको अनईजी सा फील कर रहा था, तो मैं उसको उठा के गोद में यूं कर रहा हूँ और सुनीता वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी आई थिंक काम से. हाँ.
और मैं यूं यूं कर रहा हूँ एकदम सवाल ही बाय और वहाँ ना सारी उसने उल्टी कर दी। इसका कभी पता नहीं लगता था अच्छा कि कब ये हो रहा है होने जा रहा है। सो विथ हिम इट वॉज ऑलवेज वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि क्या होने जा रहा है अभी क्या होगा। अच्छा तो इसीलिए मुझे इसकी बातों पर यकीन आ जाता है। सुनीता जो है वो एक एक सख्त वाला होना चाहिए ना जरा यार। हाँ एक को जरूर अगर अगर दोनों ही पैनिक करने लगेंगे ना वो फिर वो काम खराब हो जाता है। और वैसे भी नेचर होती है माँ बाप वो आप बच्चे को संभालने के बजाय वो उसको और वो बच्चा और घबरा जाएगा। कभी कभार आपको उनको हिम्मत भी देनी पड़ती है कि कोई बात कोई बात कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये बड़ा अच्छा वैसे रूल है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में फॉलो नहीं होता। अम्मा अब्बा छुट्टी करा देते हैं स्कूल की बहुत मैंने बहुत सारे लोग देखे बच्चे रात को देखे हैं बच्चा अभी यहाँ खड़ा है और यूं गिर गया। अरे भाई गिर गया तो कोई बात नहीं उठ के खड़ा हो जाएगा गिरते ही हैं बच्चे। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एक हंगामा मचा देते हैं गिरने का ना। हाँ ये हमारा बच्चा गिर गया। हाँ हमारा बच्चा अभी जैसे रिसेंटली जैना जब साइकिल से गिरी थी तो मैं घर पे था आई थिंक सुनीता नहीं थी। अच्छा तो मेरे अब्बू इनके मामले में ना बड़े सेंसिटिव हैं। अच्छा तो ये गिरी है ये घर आया है और इसने बोला पापा वो बैंडेड चाहिए जैना गिर गई है। मैंने कहा अच्छा आप जाओ मैं आ रहा हूँ मैं एक्सरसाइज कर रहा था। अच्छा मैं भागता हुआ निकला हूँ पहले वो वाले पार्क गया हूँ बीच वाला जो पार्क है जो। उसके बाद मैं निकला हूँ मैं भागता हुआ गया हूँ जो आप लोग के घर की साइड वाला पार्क है वहाँ गया हूँ मैं वापस आया हूँ फिर बीच में अब्बू जो है मेरे बेटा काम क्या कर रहे हो मैंने कुछ नहीं ऐसी जरा मैं जॉगिंग करने गया था। अच्छा अच्छा तो उनको मैंने पता नहीं लगने दिया कि ये गिर गई है अदरवाइज वो इतना वो हो जाता वो पैनिक कर जाते पैनिक कर जाते दादा दादी दादा नानी ये करते हैं पैनिक। वो एक उनकी सर्टेन एज भी हो जाती है हो सकता है आपके साथ नहीं किया हो इन लोगों के मामले में ना वो सेंसिटिव हो जाते हैं। वो अब ज्यादा हो गए कि एक एज पे आ गए ना तो अब ज्यादा हो तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चों के मामले में। अच्छा जी अगला सवाल। हाँ अच्छा कौन हमेशा बोलता है बस अपना टॉयज समेटो अपना कमरा साफ करो बार बार जो फैलाते हो चीजें वो समेटने को सफाई रखने को कौन बोलता है? इस तरह बोलता है जिस तरह इन्होंने बोला मिडल मिडल दोनों हाँ भाई कभी कभार दोनों कभी कभार दोनों वैसे ज्यादातर मम्मा ज्यादातर हाँ ओके। फोन यूज करने से कौन मना करता है फोन हो या गैजेट्स हो आईपैड हो वो जरा कौन ज्यादा पाबंदी लगाता है कौन रिस्ट्रिक्शंस लगाता है वहाँ आपको मम्मा और आपको डैडी? एक्चुअली दोनों ना हम दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये टाइमिंग्स हैं आईपैड के और फिर ये टाइम है पार्क जाने का। अच्छा और इस टाइम पे अब बंद है मतलब अच्छा। अब सोने का टाइम तो मूड पे होता है। मैं एकदम से उस दिन आया जैना और ये लोग आईपैड पे लगे हुए थे मैंने यूं देखा मैंने कहा बंद करें 5:30 8:30 नो आईपैड ये दोनों यूं देख रहे हैं कि ये कौन सा रूल है एकदम से निकाला है। मैंने कहा नो आईपैड मैंने कहा नहीं आप लोग खेलेंगे आईपैड पे बिकॉज वो आई थिंक इनके फ्रेंड्स नहीं आ रहे थे तो ये लोग पार्क नहीं जा रहे थे तो मैंने कहा ये टाइम जो है वो गैजेट्स में यूटिलाइज नहीं करो कुछ और करो। हाँ जरूरी है बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी कराना उससे इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन अच्छी बात ये देखिए हम तो शुक्र है गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं और बच्चे रोज जाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जगहें हैं लोग रहते हैं जहाँ पर बच्चे इस तरह आम नहीं बाहर जा सकते तो ये फिर पेरेंट्स का थोड़ा सा है कि मुश्किल है लेकिन उनको आप खुद फिर बाहर लेके जाए करते हैं बेचारे लोग करते हैं उनको थ्राइस अ वीक लेके पार्क चले गए बट हमारे यहाँ ये कि ये लोग खुद चले जाते हैं तो हमारी जो है वो बच जाती है एक सुकून है इसीलिए हम वहीं रहते हैं। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इस प्यारी सी फैमिली के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक बहुत प्यारी सी फैमिली हमारे साथ है और बच्चे वैसे 10 बजे उठते हैं आज थोड़ा जल्दी उठ गए। राकेन सो तो नहीं जाओगे ना? चलो मैं तुम लोगों को जगाती हूँ। किसकी मेमोरी चारों में से सबसे ज़्यादा तेज़ है घर पे? किसकी मेमोरी तेज़ है? आई थिंक मेरी और राकेन की। अरे बाप रे जैना की भी अच्छी है। हाँ मेरी थोड़ी वीक है। वीक है जैना अब तुम्हारे ऊपर बड़ा बर्डन आ गया क्योंकि जो नेक्स्ट हम एक्टिविटी करें वो मेमोरी से रिलेटेड है। पता क्या कर रहे हैं हम कर ये रहे हैं कि आप दोनों की पार्टी है ठीक है और यहाँ आप दोनों की पार्टी हम कर ये एक स्क्रीन पर हम आपको मुख्तलिफ लाइक पूरा एक स्लाइड चलेगा उसमें अलग 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 चीज़ें जो है ना वो एक साथ है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इतनी चीज़ें बतानी है ठीक है कि पहली बारी किसकी यहाँ से है कितने सेकंड्स के लिए आएगी 10 सेकंड्स के लिए पिक्चर आएगी और उसी में मेमोराइज करना है कि क्या 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 आइटम्स हैं उसके अंदर ठीक है यू हैव टू रिमेंबर। ओके पहली बारी किसकी बारी बारी होगी ना ओके पहले हसन और राकिन ओके रेडी गेट सेट पिक्चर
ओके 10 सेकंड्स खत्म. क्या क्या देखा? हॉर्स, ट्री, स्टार, फ्रूट, कॉर्न, क्राउन, एरो. राकिन बोलो. 5 हार्ट, 4 स्टार हो गया, 3 सैंडविच, 1. ओके, सिर्फ दो चीजें रह गई, सिर्फ दो चीजें, नाचोस थे और डॉग था. दिखाओ दोबारा, बाकी आपने सब बता दिया भाई. ये तो डैडी ने बताया राकिन, मैं आपकी मेमोरी का देखना चाह रही हूँ कितनी. देखो सिर्फ चिप्स और डॉग रह गया, बाकी सब बता दिया. वो फ्रूट क्या है? वो एवोकाडो है. एवोकाडो है, मैंने उसको फ्रूट मान लिया, कोई बाकी फ्रूट पे आ जाता. मुझे पैर पैर लग रहा था तो मैंने फ्रूट बोल दिया. ओके जैना, आपके लिए यहाँ तो डैडी ने संभाल लिया, मामा की मेमोरी तो वीक है. अब नेक्स्ट क्लिप दिखाए जैना, बिल्कुल फोकस हो गए. नेक्स्ट क्लिप. टॉप लेफ्ट पे क्या है? स्पाइडरमैन. उल्टा. चलो बोलो बोलो. ओके जैना शुरू हो जाओ. स्पाइडरमैन. ओके. बटरफ्लाई. हाँ. फ्लावर. फ्लावर. हाँ. डाइस. डाइस. ओके. कार. कार थी. हाँ. कार थी. कार थी. कमेरो. और क्या था? मैंने नहीं देखा. मैं तो भूल ही गई. बेचारी की पार्टी वीक है. कोने में भी कुछ था नीचे, बॉटम. वो देखा ही नहीं होगा. देखा था. 1, 2, 3, 4 चीजें बची हैं. एक पॉइंट उनका चला जाएगा. सोच लो. कोई स्टार वगैरह था? नहीं नहीं. डाइस बोल दिए ना हमने. हाँ. और वो फर था? फर नहीं है वो. वो फर भी कह सकते, वो बाल है, लेकिन मैं उसको फर मान लेती. बाल बाल में थे. हाँ. मैंने देखी नहीं. वो कोई एक्सटेंशन का पीस लग रहा है मुझे. जग. फर भी कह सकते हैं. जग. जग. डक. डक थी. ओके वेरी गुड. हाँ अब दो चीजें बची हैं. बराबर हो गया हिसाब. दिखाइए भाई, सिर्फ कैट और टाइगर बचा है. दिखाओ. बाकी आपने सब बता दिया. सिर्फ कैट और टाइगर. बराबर हो गया है हिसाब. वैसे डाइस डाइस बोला था. हाँ बोला था. अच्छा वैसे मामा आपने अच्छा बोला, ये गाड़ी में से अच्छी है. है ना. कमेरो है. तो रेडी हो जाओ अब. आप लोग की बारी. तो गाड़ियों का सब पता है. गाड़ियों का सब पता है. ओहो आइए भाई नेक्स्ट. ये क्या है बीच में काले रंग का? बैट. हाँ जी शुरू हो जाओ. बियर्ड. हॉर्स. ओप्स कितना सही. वो बियर्ड ही थी, वो बैट नहीं था. रूबिक्स क्यूब. एक मिनट दोबारा बोलो. बियर्ड. बुला दिया आपने उसको. सॉरी. बियर्ड. हॉर्स. हॉर्स. हाँ. वो रूबिक्स क्यूब. वो रूबिक्स क्यूब. ओके. फ्लावर. 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 ओके. बॉय. बॉय था. एक दो तीन चीजें रह गई बस. एक और गेम दे दिया मैंने तुम लोगों को, जो तुम लोग घर पे खेल सकते हो. आईपैड पे. मेमोरी गेम, बट इट्स अ गुड गेम. आई डोंट रिमेम्बर एनीमोर. 5 कार. 4 कार. 3 हार्ट. 2 नहीं. एंड 1 स्टॉप. दिखाओ भाई. तीन चीजें रह गई. टमाटर. टमाटो. चिकन. बर्ड. और एक वो बर्ड. बर्ड भी है. बर्ड एंड हैन. बस तीन चीजें रह गई. लेकिन देखो जो तुम लोगों ने बैट कहता कहा था मुझे भी समझ नहीं आया, इसने बहुत अच्छे से पकड़ा. ओके तो पहला वाला पॉइंट बराबर गया था. आप देखते हैं कि अब क्या जाता है. ओके रेडी गेट सेट जैना एंड सुनीता. यार को गाड़ियां क्यों मिली? बोलो बोलो. टेडी बेयर. एक लड़की. एक लड़की. हैमर. ओके. वो हैमर है या एक्स था? नहीं. हाँ है. एक्स. ठीक है. कार. ओके. बर्ड. बर्ड नहीं है. बनाना था शायद. हाँ.
बेसबॉल बेसबॉल एंड बैट हाँ बिल्कुल और कोई एनिमल भी था ज़ेब्रा ओके तीन रह गए जैसे आप लोगों के ट्री था ट्री नहीं था अब वो सारे मिक्स हो गए ना पहले वाले भी ये वाले भी लगता टाइम बेयर था हाँ बेयर बेयर आपने बता दिया बेयर वो मैंने लिख लिया अच्छा था बेयर और क्या तीन रह गए तुम लोग अभी ड्रॉ जा रहे हो बराबर जा रहे हो तुम लोगों के भी तीन रह गए थे इनके भी तीन रह थे और क्या था राकेश यार मामा मैं नहीं बताऊंगा आपने जो वो ज़ेब्रा बता दिया ना तो मैंने बोला ना एनिमल था We're a family, so I thought I'd help them out. 5, 4, 3, 2, 1. दिखाए भी रेगी एंट बैट और फिश बाकी सब आपने बता दिया तो आपका भी तीन रह गए थे आप लोगों के इनके भी तीन रह गए थे अभी तक आप लोग बिल्कुल बराबर चल रहे मामा आई विल गिव यू वन एक्स्ट्रा पॉइंट इफ यू से द नेम ऑफ दैट कार होंडा हां होंडा तुम्हें होंडा लगती है कौन सी है भाई एक सेकंड वो जो डॉट नजर आ रहा है ना राइट बिसाइड द हुड उसमें उसमें उसका कंपनी कुछ लिखा हुआ है टेस्ला नहीं भाई टेस्ला BMW टेस्ला तुमने कभी टेस्ला देखी है छोटी लेट इट बी यार घरेलू बातें शुरू हो चुकी हैं ओके जी अब रेडी हो जाए क्योंकि अब आप लोगों का क्लिप आने वाला है सही है ओके रेडी गेट सेट नेक्स्ट क्लिप फुटबॉल हार्ट चेयर क्रोकोडाइल काउ कैलकुलेटर ग्रास ग्लव्स डक ओके कैलकुलेटर चेयर क्लॉक बॉल डक एलिगेटर काउ ग्रास ग्रास हैंड ग्लव्स हो गए चेयर चेयर हां मैंने बोल दिया सिर्फ एक रह गया बस सिर्फ एक चीज रह गई सिर्फ एक चीज रह गई वो लास्ट में क्या था फुटबॉल फुटबॉल सब हो गया मैंने बॉल तो बोल दिया सब हो गया सिर्फ एक चीज रह गई सबसे प्रोमिनेंट थी वो क्योंकि उसका कलर ऐसा था सन सन क्लॉक वाइब्रेंट कलर बिल्कुल दूर से नजर आ जाए पता नहीं आई डोंट नो इट्स ओके यार वन इज गुड चलो एक टिप दे देती हूं रेड कलर की चीज है हार्ट ये लो हेल्प कर दी मम्मा ने फुल पूरा आप तुम लोग भी जीत के दिखाओ मैंने हेल्प की अब आप भी मेरी हेल्प करेंगे ठीक है मां हमने लास्ट टाइम में 3 हेल्प की थी आपको हम नहीं करेंगे आपकी हेल्प ओके आया के बंद करो ओके नेक्स्ट क्लिप फॉर ज़ैना एंड सुनीता ओके ज़ैना माइक्रोफोन Bird. Helmet. Helmet. Whale. Bird. Mic. Okay. Microphone ho gaya. Achha. Rainbow. Rainbow. Aur hot air balloon. Okay. Sare ghar mein tum log pure. Okay, very good. Aur kya reh gaya? Do cheeze reh gayi bas. Hello. Sirf do cheeze reh gayi. रेनबो कर लिया ना माउस कर लिया वो भी था ना वो कैलकुलेटर टाइप की क्या चीज थी सही है मैंने मान लिया लैपटॉप लग रहा है मुझे अब एक रह गया चले अब एक की हेल्प करें कर दूं मैं आई लेट देम वन रैबिट तुम लोग ने एग्जैक्टली रैबिट पूरा फुल अभी तक ड्रॉ जा रहा है आप लोगों का भी फुल सारी चीजें हैं। व्हेनेवर इन द नेक्स्ट टाइम वी डोंट टेल एनीथिंग। हां क्योंकि कोई जीते तो सही। रेडी है आप लोग? रेडी? गेट सेट एंड गो। गूगल साइन सॉक्स ओके शूज ओके क्रोकोडाइल स्टेयर्स स्टार ट्री ओके ओके अम्ब्रेला वेरी गुड सिर्फ दो रह गए सॉक्स वो हो गया बता दिया इसकी मेमोरी बहुत तेज है माशाल्लाह स्टार भी था स्टार नहीं स्टार नहीं था स्टार था कलर कलर नहीं है वो कुछ और है तो वो क्या
बनाना बनाना भी नहीं है, कलर वही है, ग्रास नहीं फ्लावर येलो वैसे ये स्टार में ही आता है लेकिन स्टार नहीं है हेक्सागन सन सन एक चीज रह गई अब इसको सारे मुल्क और वो सब याद है ना कैपिटल्स और सारी और गाड़ियाँ और गाड़ियाँ ओए ओए तो हैरान कुन तौर पे बताया था लास्ट टाइम आया था तब बताया था जब तो और भी छोटा था फाइव फोर थ्री टू वन वन वैन एक चीज बची बस वैन वैसे गाड़ी बोल सकते थे गाड़ी भी बोल सकते थे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ व्हीकल होती ना ओके जी आप है ज़ैना और सुनीता की बारी इन्होंने सिर्फ एक चीज मिस की है देखते हैं आप लोग क्या करते हैं रेडी गेट सेट नेक्स्ट क्लिप ओके हेडफोन्स एलिफेंट टेडी टेडी ये पीस का साइन है ये ऐसे था विक्ट्री और वो कॉन्वोकेशन हैट हाँ जी और बल्ब यस फेसबुक साइन कर दिया फेसबुक साइन था कोई हेल्प कर रहे डैडी व्हाट्सएप साइन भी था ओके सिर्फ एक चीज रह गई नहीं दो चीज रह गई एलिफेंट वो एलिफेंट हो गया ये इधर लेफ्ट कॉर्नर के नीचे क्या था वो आवाजें भी निकाल रहे किसकी मैं तो सुनी उसका बहुत दिल चाह रहा है कि मैं बता नहीं नहीं बताओ लेट अस विन अरे इनकी दो चीजें बाकी हैं नहीं बताओ पिछला राउंड जिता दिया ना वी विल विन दिस राउंड फाइव क्या एनिमल था कोई फोर फ्रूट है वो तो फ्रूट थ्री एनिमल था कौन सा एनिमल था टू डक वन आप लोग जीत गए हैं क्योंकि मस्टैचेस भूल गए आप और डायनासोर डायनासोर दो चीज रह गई तो भाई क्या हुआ कि विनर हुई ये वाली टीम है राकिन और डैडी की टीम विनर है एक पॉइंट से आप लोग जीत चुके हो वैसे घर में ज्यादा मामा और ना जीतते हैं डैडी और राकिन जीतते हैं मामा और ज़ैना ओहो लेकिन हम दुनिया के सामने गेम्स में जीतते हैं ना लूडो और सीक्वेंस अच्छा इस तरह ओ मेमोरी ये पता चल गया आप दोनों की तेज है इन दोनों से ज्यादा मामा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरी मेमोरी तेज नहीं है अच्छा मामा की मैकलेरन से तेज है मेमोरी ओहो अच्छा अगर मामा कहती हैं कि कोई पाबंदी लगाई है मामा ने वो भी भूल जाती हैं कभी कभार कभी कभार कि आपने ये नहीं करना और उसके बाद भूल जाती हैं ये तो फायदा है वैसे कभी कभार ऐसे भूल जाते हैं लोग मामा की मेमोरी वीक होना इसका मतलब बच्चों के लिए फायदा है जी कि नहीं पता नहीं फायदा है कि नुकसान है कि अच्छी बात है लेकिन कभी कभी मुझे बड़ी चिड़चिड़ती है जब सुनीता व्हेन शी फॉरगेट्स ना कि यार ये कैसे भूल सकती हो तुम बहुत अच्छी बात है औरतों की मेमोरी वीक ही होनी चाहिए नहीं फिर देन वो अच्छी अच्छी बातें भूल जाती क्वेश्चन आ जाता है ना दोबारा कि नहीं वो ये लिटरली ये होता है कि मैं अभी कपड़े बदल के बाहर निकल रहा हूँ और पांच मिनट पहले मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ ये पता है और आई एम क्रॉसिंग कहाँ जा रहे हो लॉन्ग टर्म मेरी बिल्कुल सही है शॉर्ट टर्म का है एक है इशू जो शुरू से ही है बट इट्स फाइन आई थिंक इस पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है तुम वैसे भी टेंशन नहीं लेती नहीं हूँ मैं लेती हूँ बार बार पूछ लेने वाली बात नहीं है सिंस यू मेंशन इट बट अगर आप बार बार सवाल पूछोगे ना कहाँ जाओगे तो मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं टेंशन देती हूँ बार बार पूछ के कहाँ जा रहे हो और वो मर्दों को इतना कुछ जहर लगती है चीज जब वो निकल रहे हो और पीछे से सवाल है कहाँ जा रहे हो ये सारे ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और बेस्ट तो होता है जब हसन ने फुल परफ्यूम शर्फ्यूम लगाया हुआ होता है और मेरे पीछे से आवाज आती है कहाँ जा रहे हो वो मुझे मजा आता है मुझे कहाँ जा रहे हो अच्छा भाई राकिन और ज़ैना आप दोनों से ये सवाल है कि मैं आपको सोचने का टाइम भी दूंगी ठीक है कि एक बेस्ट बात मामा की और एक बेस्ट बात डैडी की ये आप लोगों ने मुझे सोच के बतानी है मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ और एक छोटी सी बुरी वाली बात जो आपको लगता है मम्मा में एक छोटी सी बुरी वाली बात डैडी में वैसे तो मामा डैडी की कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती लेकिन छोटी छोटी वो बता देना सही है एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पाकिस्तान की कह रही
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी मेमोरी वाले गेम में तो भाई जीत चुके हैं डैडी और राकिन। जैना की मेमोरी अपनी बाकी सारी चीज़ों के लिए तो अच्छी है ना, जो किससे सुनने हैं मैंने अभी आप लोगों से, है ना? अच्छा, एक सवाल मैंने जाने से पहले पूछा था, उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। सोचा मम्मा और डैडी की एक अच्छी बात और एक तीसरी एक बुरी बात। राकिन बताओ भाई, अच्छा, मम्मा की अच्छी बात क्या है? बहुत अच्छी बात मामा की, बहुत अच्छी बात है कि वो कहती हैं है, मतलब वो भूल गए, आपको याद है जाना? मुझे मामा की अच्छी बात लगती है कि हम वो आखिर वो फेमस है। ओहो जब वो शूट में होती है ना, बचपन में ये कोई ऐसे फैशन शो में जाती थी और ऐसे वॉक करती थी वो अपनी ड्रेस दिखाती थी, और मुझे मामा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। शक्ल कैसे बनाती थी? क्या बनाती? आपने मेरी एक्टिंग कहाँ और कब देखी? आपकी शक्ल, आप शक्ल कैसे बनाती थी? देखता था ना ये पहले ड्रामे तुम्हारे, अभी भी देखता हूं। एक दो कोई सीन देख लिए होंगे ना। मामा की एक्टिंग भाई उनको अच्छी लगती। थैंक यू राकिन। और डैडी की बताओ भाई, डैडी बाबा का क्या गुड थिंग अबाउट बाबा? ये तेज बॉल की बात है। अच्छा भी डैडी की भी वही बात कि डैडी भी फेमस है, मामा इनके फेमस होने से जैना को कोई फायदा होता है कोई स्कूल में या कॉलेज में, है ना? जब ये फेमस होते हैं तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा लेवरेज मिलता है उस चीज का कि नहीं? कि नहीं? आई थिंक दोस्त पूछते हैं कि आप टीचर्स या दोस्त नहीं होता है। आप बताओ ना डैडी की भी तो बताओ आप अच्छी वाली बात। मुझे अच्छी वाली बात लगती है कि ये एस्टन मार्टिन से तेज भागते हैं। इनके लेग्स इतने तेज होते जैसे लगते जो जो एस्टन मार्टिन के पहिए हैं ना। हाँ, इस तरह से मुंह करो, कैमरे उधर है सारे, बैक हो गई आपकी। हाँ, तो फिर मतलब जो आप देख सकते हैं ना, रन फास्ट। हाँ, मतलब आपको अच्छा लगता है भागते बहुत तेज, जैसे ही रन फास्ट। सोचो अगर इनके लेग जैसे कोई शेप हो या ना, जैसे कोई गाड़ी में ऐसे, और जो नॉर्मल गाड़ी के व्हील्स हो ना, वो जितनी भी तेज भागती है इतनी वो ही होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बुरी बात जो डैडी और मम्मा की, वो क्या है? क्या लगती है आपको दोनों की अलग अलग? आप भी सोचो जैना। ये तो मैंने सालों से नहीं सोचा। ये तो मैंने सालों से नहीं सोचा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको भी याद है कि what is it that you don't like about बाबा? आपको तंग करते हैं बहुत? हाँ, क्या तंग करते हैं? ऐसे ऐसे करके वो गुदगुदी करते हैं दूर से। हाँ, और वो मैंने आजकल नया शुरू किया है कि वो कनेक्शन, मैंने कहा हमारा कनेक्शन बनेगा सही है, तो मैं आता हूँ और उसको सर पे ना डस करके हेडबट मारता हूँ। और मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती कि हर जुम्मे में ये मुझे तंग करते रहते, सबके सामने ऐसे करते रहते मस्जिद में। मस्जिद में फिर मैं कहता हूँ मैरिज हो जाएंगे भाई, लोग हमको हर वक्त सोच रहा होता हूँ। बाबा बहुत तंग करते हैं इस तरह के, मस्तियाँ बहुत करते हैं। मामा को भी करता हूँ मैं तो। और मामा क्या, मामा की क्या छोटी सी कोई बुरी बात? मामा की देख के बताना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनके इतने सारे पैकेजेस मिलते हैं। ओहो, लगता कि मामा को इतने सारे गिफ्ट्स आते हैं। तो वो गिफ्ट्स लेटर ऑन फिर आप ही के काम आएंगे। और उसके बाद मामा वीडियो बना के थैंक्स भी करती है। भाई वो मामा मैनेजर है ना, इसलिए मैनेजर हूँ। मामा आपने तो वो कंपनी ओपन किया है घर पर आपने वो पूरा याया का पुराना कंप्यूटर रूम, वो बुक माय मेमोरीज की बात कर रहा है। अच्छा, ये भी यही कह रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो वो गिफ्ट्स की बात पैकेजेस आते हैं, वो ये बात कर रहा है कि घर पे बुक माय मेमोरीज का पूरा सेटअप है ना, जो प्रिंटिंग वगैरह है वो घर पर ही होती है बुक्स की, तो वो उसकी बात कर रहा है। आप साइड आपने बुक माय मेमोरीज की साइन भी लगाई है जो कोई लोग को भी नहीं नजर आता, दरक के पीछे लोगों को नजर आने की जरूरत नहीं है ना, लोग ऑनलाइन ऑनलाइन है ना। अच्छा चलो, इस पे से निकालो अपनी कोई पुरानी याद और हमें बताओ आपकी मेमोरीज। कौन बताएंगे, हसन और सुनीता? मैं तो समझे बच्चे। चलो आप लोगों का काम है निकाल के देना। ये क्या निकला, ये क्या है? मुझे स्लाइड लग रहा है, दिखाओ हसन, इधर ऐसे करके दिखाओ।
ये कोई ऐसे छोटा सा डैडी को दो, एक एक करके निकालेंगे। जैना अभी इसको रख दो, ये किसकी मेमोरी है भाई, स्लाइड वाली? ये स्लाइड वाली, ये मुझे छोटी सी वाटर स्लाइड लग रही है। हाँ, ये क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग है ना, और थोड़ी सी ऐसे बैठ जाए ना यार, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या जरूरत है भाई। ये वाटर स्लाइड की मैंने वो बात दिखाएं, इस तरफ करें, इस तरफ वाटर स्लाइड, वैसे तो ये स्लाइड है लेकिन वाटर स्लाइड की मेमोरी थी। हाँ। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड गए हुए थे। हाँ। और राकेन कितने साल का था? चार साल का था। और एक स्लाइड थी। हाँ। हम एक विला में ठहरे हुए थे, देयर वर लाइक फोर कपल्स, फाइव कपल्स। अच्छा। और उस विला के अंदर स्लाइड थी, पर्सनल वाटर स्लाइड। ओके। तो वो ऊपर से स्टार्ट होती थी थर्ड फ्लोर से और नीचे घूमती भी आती हुई। तो राकेन जो है वो आई थिंक पूरा दिन सुबह से शाम तक ऊपर थर्ड फ्लोर चढ़ता था, वहाँ से स्लाइड से घुप नीचे, पूरा डाइविंग बोर्ड भी था। माय गॉड, डाइव करता था। ये भी ये छोटी थी, वैसे छोटा सा था ये। अच्छा, बच्चों की थी या क्या है? नहीं, बड़ों की स्लाइड थी, बड़ों की स्लाइड। आम बैंड साल का, आम बैंड पहन के। बट ही यूज्ड टू बी सो हैप्पी कि सब लोग देखते थे कि यार ये कैसे इतने आराम से कर रहा है। ओए होए, नहीं मगर हिम्मत जान देखो ना, वो थर्ड फ्लोर आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था। थर्ड फ्लोर पे जाते थे और फिर पूरा गोल घूम घूम के, छोटा सा था तो पत 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 करके ऊपर जाके मचाता था, ये जाके अंदर और चीखे मारता आता था। डाइविंग बोर्ड में भी मजा आया था मुझे। हाँ, डाइविंग बोर्ड पे लेट के भी आते थे ये सारे लड़के, एक लाइन में आते थे, लाइन में यूं बैठ जाते थे, उसके बाद में एक बंदा धक्का लगाता था और ये लोग भी पूरा गोल घूम मस्त होते थे। हम चार लड़के थे, हमने कहा लाइन में जाते हैं ना। हाँ। तो जो सबसे आगे वाला उसको लाते घूसे पड़ रहे होते थे और नेचुरली पड़ रहे होते थे क्योंकि पीछे से फोर्स आ रही होती थी। हाँ। और सबसे पीछे ये लोग मुझे रखते थे, मैं तो पीछे से पूरा अंदर घुसा हुआ था। टांगे भी लंबी। हाँ। तो बहुत अच्छा ट्रिप था। हाँ, it was very good trip, क्योंकि दोस्त साथ थे ना और उनके बच्चे भी थे, दोस्तों के बच्चे भी थे। वेरी मेमोरेबल। ओके जी, नेक्स्ट मेमोरी। अब सबसे नॉटी बॉय याद है? हॉर्स किसकी मेमोरी है? क्या है, इतनी भी पुरानी बात नहीं है लेकिन ये याद है, आप मुझे हॉर्स राइडिंग में लेके चल रही थी। हॉर्स राइडिंग जी, वो तो उसको तो मैं बिल्कुल छोटा मुझे मैं समझा था तब, मतलब एज सच कोई वो नहीं है मेमोरी, बस ये है कि ये लोग हॉर्स राइडिंग पे जाते थे, एक बीच में कोरोना आया तो एक है मेमोरी, वो हॉर्स राइडिंग पे लोग गए थे। तो हॉर्स राइडिंग पे You guys remember कि एक बच्चा घोड़े से गिर गया। हाँ, तो घोड़ा fell off, right? So ये लोग horse riding कर रहे हैं। हाँ, और मैं देख रहा हूँ और एक बच्चा घोड़े से, घोड़ा समेत। हाँ, underneath उसके ना गिर गया है वो, there was an accident। तो मैं वो देख रहा हूँ, देखते देखते मैंने यूं देखा है राकिन को ना। हाँ, बच्चे सारे रुके हुए यूं देख रहे हैं उसको क्या हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और अभी हम एकदम से ये क्या हुआ है। तो वो ये भी देख रही थी, तो उसके बाद सारे बच्चे डर गए थे। हाँ, quite scared। हाँ, बाबा मैंने देखा क्या कि there was something on like the ground। हाँ, तो वो घोड़ा एक्सपेरिमेंट उठाओ। तो वो घोड़ा को क्या हुआ, वो ट्रिप होके वो गिर गया। सही दिखाएं ना। क्या है? हमें भी मामा को दिखाएं। नहीं, वहीं से दिखाएं बैठ के। ये क्या है? एक फैन। फैन। पुराना कोई पुराना फैन है। वही फैन की मेमोरी ये है कि So when we had like this type of fan, right? Me and Rakin used to stick our finger inside and then we got rid of it. अच्छा, और फैन की मेमोरी ये है कि राकिन जो है वो फैन से बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड था। अच्छा। छोटेपन पे ना। हाँ। बस वो फैन को ही यूं देखता रहता था, उसके बाद कहीं भी जाता था ना बस फैन फैन फैन। इवन जब हम स्कूल जा रहे होते थे तो रास्ते में विंड मिल लगी हुई होती थी किसी के घर पे, तो हम स्पेशली उसी गली में से हमें जाना होता था क्योंकि इसने वो विंड मिल देखनी होती थी। फिर मैं इंग्लैंड गई अपने कजन के यहाँ, तो वहाँ पर सीलिंग फैंस नहीं होते ना। हाँ। तो वहाँ पर ना एक छोटा सा उनके पास ना फैन था, तो उनको पता था ये फैन बहुत शौक से देखता है। हाँ। उन्होंने ना एक छोटा सा फैन इसको ला के दे दिया कि राकिन ये सिर्फ आपके लिए। अच्छा। ये पूरा दिन। हाँ। जिस वक्त होगा दो ढाई साल का होगा। हाँ। ये पूरा दिन उस छोटे से फैन के सामने बैठा, वो हिला नहीं बच्चा यार। ये टीवी और बाकी गैजेट से तो बेहतर ही चीज़ है। अब नहीं करता इतना। हाँ। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था, इसने तो गाना भी बनाया था, वेयर इज द फैन। ये मेरा प्राइवेट गाना है भाई। अच्छा, सॉरी। और इनके याया दादा को याया कहते हैं। हाँ। तो याया के साथ बिकॉज वो स्कूल और ऑफिस रास्ते में आता था। हाँ। तो याया के साथ बड़ी मेमोरीज एसोसिएटेड है विद द फैन बिकॉज वो उसको दिखाते हुए लेके जाते थे। अच्छा,
मतलब मैंने पहली दफा देखा है कि कोई बच्चा फैन से फैसिनेट होता है ना, अक्सर अम्मा का दुपट्टा या कोई ऐसी चीज होती है तो ये फैन वाली। नेक्स्ट मेमोरी क्या है दिखाओ। आप उठाए गाड़ी दिखाओ, ये वाली गाड़ी है। गाड़ी की क्या मेमोरी है? इसकी भी ऐसा वो ये मेमोरी है कि इन दोनों को, वैसे लड़कों को तो खैर ज़्यादा ही शौक होता है, ऑफ कोर्स राकिन को ज़्यादा शौक है, लेकिन ये भी इसको भी सारी गाड़ियों के नाम और उसको तो पता नहीं सीरियल नंबर भी और ऐसे ऐसे नाम है जो मैंने तो शायद आज तक जिंदगी में सुने भी नहीं। आपको बहुत शौक है? तो बहुत ज़्यादा ही शौक मुझे कोई मायामी गए तो वहाँ वो एक से एक गाड़ी अब आए, अब ये तो हिले ही ना अपनी जगह से ना, और वो कभी फरारी जा रही है वहाँ पर, कभी लैम्बोर्गिनी जा रही है। शौक कैसे है ये गाड़ी? नॉट रियली, आई थिंक इसको खुद ही डेवलप हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ इसको भी है, इसको भी सारे नाम पता है। हाँ, इसको नहीं सारे नाम पता है, मेजॉरिटी आपसे कम पता है, लेकिन वैसे पता है। हाँ, आपने बताए होंगे ना, है ना? उसकी सिर्फ ये पता है उसकी फेवरेट कार क्या है, कौन सी? फरारी 45 इटालिया स्पाइडर या स्पाइडर? स्पाइडर। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ऊपर से आई एम नॉट द ओनली वन, निदा आंटी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वैसे वैसे फरारी 45 स्पाइडर या इटालिया, उसका उसका आगे वाला मुंह का नीचे बहुत कोई बड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसे मोटा सा माउथ हो गया है। चलो नेक्स्ट मेमोरी दिखाओ। क्या हुआ, बैठ जाए, दिखाएं सबको। जहाज जहाज लोगों को बहुत शौक है और राकिन तो पायलट बनना वैसे ही चाहता था। और तो इसकी कोई जहाज की कोई मेमोरी है कोई? मैं आपको बताऊं, राकिन ना खाने में बहुत तंग करता है। अच्छा। खाने पीने में बहुत कम चीजें हैं जो राकिन खाता है। अच्छा। लेकिन प्लेन का पूरा खाना खाता है। I think excitement में के प्लेन में खाना है। अच्छा अच्छा, घर पे तो ट्राई भी नहीं करता ना। मैं इसको कहती ना जरा सा चख लो ताकि पता चले ना टेस्ट का। नहीं, प्लेन की हर चीज, मक्खन तक। एक दफा मैंने देखा मक्खन खोल के तो उंगलियों से यूं खा रहा। मामा वो मैंने उसमें वो बन पर लगाया था, बन को वो नाइफ से कट किया। और बन का ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हमें आपको भी अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट हमने ट्रैवल इतना किया हुआ है कि बच्चों को एट एन अर्ली एज इतनी ट्रैवलिंग का मौका मिला, प्लेन में बैठने का मौका मिला, तो अल्लाह का शुक्र है कि यू नो बड़े कस्टम हो गए हैं हर जगह जाने में। हाँ। So मैं भी काफी, मुझे मम्मी बताती है, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब मैं फ्लाइट के लिए जा रहा होता हूँ। अच्छा। वेरी एक्साइटेड। वो आप बचपन से ऐसे हो? बचपन से ऐसा, मुझे नींद नहीं आती जहाज में। नींद नहीं आती? नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती मुझे। आपको भी नहीं आती? नहीं, मुझे नहीं जाना सोना जहाज में, मुझे बस नाश्ते के लिए वेट करना है। बिफोर नाश्ता मैं नहीं सुनूंगा, तब नाश्ता आ जाएगा ना, फिर मैं सो जाऊंगा और तब हम लोग लैंड करें, और तब हम लोग लैंड करने वाले हैं तो उठा देना। अगर लैंड करने से हम लोग अगर I don't think he sleeps in the airplane. अरे लंबी फ्लाइट है। नहीं, but does he sleep? I do. Of course. He does. भाई रात की फ्लाइट है और इतनी लंबी फ्लाइट है तो आपको नींद नहीं आएगी? नहीं, वो तो एक अलग बात है सुनीता, does मैं पूछ रहा हूँ सोता है कि नहीं सोता? तो करते क्या हो आप, टीवी देखते रहते हो? नहीं, हम हवाई जा रहे थे, इकोनॉमी में बैठे हुए, 6 घंटे की फ्लाइट है। हाँ। मैं यूँ बीच में थी, इसका एक का सर इधर था और इसका एक का सर इधर, 6 घंटे नॉन स्टॉप में ऐसे थी और ये सोए। थाईलैंड थाईलैंड जाते हुए भी उस वक्त पाकिस्तान में रात हो रही थी, इधर दिन हो रहा था, लेकिन उस वक्त छोटे थे ये। थाईलैंड में इनको अकेले लेके गया था फ्लाइट पे। अच्छा, बगैर सुनीता वहीं पे थी, मैं ऑलरेडी वहीं पे थी, शूट थी वहां पर। तो मुझे था कि पहली बार फ्लाइट पे लेके जा रहा हूँ इनको, बट इन्होंने दूध पिया और मुझे ये भी था कि पैंपर भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी एयरप्लेन में, तो मैंने कहा नहीं यार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैंने चेंज किया था पैंपर, मैंने चेंज किया। कितने बड़े थे ये? छोटी थी ना, दो साल की थी। दो साल की थी। अकेले कैसे ले गए भाई? दोस्त भी थे। अच्छा, दोस्त फिर से। लेकिन मैं कर लेता हूँ ये चीज़। अच्छा। तो इसका पैम्पर चेंज किया, उसके बाद फ्लाइट को रह गए थे 3 घंटे 50 मिनट। थाईलैंड की होती है 5:30-5 घंटे की। हाँ। ये लोग सोए। हाँ। और फिर सोए। ओए होए। तो पता नहीं अल्लाह की करनी थी, अल्लाह ने कहा चलो मैं तुम्हारे ऊपर रहमत थोड़ी सी कर देता हूँ। तो हम लोग आज जा रहे हैं सबको दुनिया को बता दो अभी। अच्छा, हाँ
अच्छा अब जैसे अगर आप पायलट बनेंगे तो पायलट्स को तो मम्मा और डैडी के टिकट्स तो फ्री मिलते हैं, तो फिर आपने क्या क्या प्लान किया है ना? आप तो पूरी दुनिया के मुल्कों को और उनके कैपिटल्स को जानते हो, आपने कहाँ कहाँ प्लान किया है इनको ले जाने का, इनको घुमाओगे? उस दिन आपने की बात की थी ना कि आप हमें नहीं इतना फ्री नहीं कराओगे कि आप हमें टिकट वगैरह दो। नहीं भाई, मैं आपको टिकट दूंगा भाई। देंगे टिकट? हर जो भी ऐसे कोई कमर्शियल जॉब होता है ना और वो अपने और कुछ पेरेंट्स आप देंगे, बस ये बताएं। जी जी, मैं आपको दूंगा। अच्छा, जो भी मैं एयरलाइन हूँ, जहाँ भी आप जाएंगे वो मैं बस फाड़ के आपको फाड़ के जी फाड़। नहीं तो आप प्लान हर वक्त मैं देखता हूँ, तब हम लोग जहाज में एंटर होने में वो टिकट फाड़ देते हैं ना, क्योंकि यूज ही नहीं होता बोर्डिंग पास। अच्छा नहीं, कुछ बात बताओ, तो आपने कुछ प्लान किया कि मैं मम्मा और डैडी को वहाँ 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 घुमाऊंगा? मैं इनको जरूर डेनमार्क लेके जाऊंगा। डेनमार्क लेके जाना? डेनमार्क में ऐसा किया? No, I think Denmark is a good place to go. I think it's a good place. वैसे ready भी रहना, मैं आपको Greenland भी देने लेके जाऊँगा। Oh, I would. और Norway का island भी। और वो Northern Island lights भी देखेंगे ना? जी, also मामा जरा ये बात रखना, पहले हम लोग Norway में वो boat ले, फिर हम लोग Norway में रखेंगे, फिर वो वहाँ से boat लेंगे, फिर हम लोग Norway का island जाएंगे। ओह, पूरा planning हो गया। अभी हम break के दौरान और planning करते हैं, एक छोटे से break के बाद वापस आते हैं, ठीक है ना? अभी पूरी planning, फिर क्या होगा? आप लोग break पे जाएं, फिर वो island से क्या होगा? जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज बहुत ही प्यारी सी फैमिली से इंटरव्यू कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं सब, है ना? लेकिन उससे पहले कि मैं उनके पास दोबारा वापस जाऊँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। बड़ी खवातीन परेशान रहती हैं कि चेहरे पर अक्सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या आप बाहर बाहर ज़्यादा जाते हैं घर से, तो चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, छाइयाँ, ये सब पड़ जाते हैं और स्किन ढलकने भी लगती है, स्किन का ग्लो चला जाता है। तो ऐसे में मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी कि सैनिडर्म फेशियल ग्लोइंग क्रीम जो है, इसका इस्तेमाल दाग, धब्बे, झाइयाँ, स्किन का लटकना, ये सब ख़त्म कर देता है और आपका नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पे ले आता है, टाइटन स्किन कर देता है। सैनिडर्म फेशियल ग्लोइंग क्रीम, इसके अंदर कोई भी गैर मेयारी और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है जो स्किन को डैमेज करते हैं। सैनिडर्म फेशियल ग्लोइंग क्रीम जो है, इसमें सफोरा फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट शामिल है जो जिल्द को, जिल्द के अंदर कुदरती निखार लेकर आता है। इसमें मौजूद SPF 20 का एडिड एडवांटेज जो है, वो आपको धूप की ख़तरनाक रेज से बचाता है, आपकी जिल्द को महफूज रखता है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ सैनिडर्म सन प्रोटेक्शन क्रीम। पता है जैसे गर्मी होती है तो अक्सर लोगों की जो चेहरे हैं वो झुलस जाते हैं गर्मी से, मर्दों के भी और ख़वातीन के भी। ज़रा सा आप गर्मी में निकलें, बाहर निकलें या कभी पिकनिक्स पे जाएं या कहीं भी जाएं, तो आपकी स्किन एक अजीब सा कलर आपको दिखा रही होती है, जैसे जला जला सा फेस लगता है। उसकी रीज़न ये है कि सूरज की हार्श रेज होती हैं, जैसे कि UVA और UVB आपकी स्किन को डैमेज करने में सबसे आगे होती हैं। हम आपको एक मशवरा देते हैं कि आपकी स्किन को बचाने के लिए आप यूज़ करें सैनिडर्म सन प्रोटेक्शन क्रीम, और जो कि आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन देती है, एक मुकम्मल वो कहते हैं ना, एक तहफ़ुज़ फराहम करती है। ये यूनिफ्रोज कंपनी ने स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन की है ताकि इस मुल्क में जो पाकिस्तान में सूरज भी है, पहाड़ भी है, समंदर भी है, हर चीज़ कुदरत की है, लेकिन साथ साथ इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करना आपको ये फ़ायदा पहुँचाता है कि आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होते, प्री मेच्योर एजिंग नहीं होती, लाइनें नहीं पड़ती चेहरे पर। और साथ साथ इसके अंदर शामिल है SPF 54, जिसकी वजह से आपकी स्किन UVA और UVB रेज से बच सकती है। ये वही रेज है जो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, सनबर्न करती हैं, टैनिंग करती हैं, रिंकल्स पैदा करती हैं और नुकसान पहुंचाती। तो इसलिए जब भी आप धूप पे जाने लगें या बाहर निकलने लगें, तो सैनिडर्म सन प्रोटेक्शन क्रीम का इस्तेमाल बहुत लाजमी है।
और ख़ासतौर पे वो लड़कियां जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जॉब करती हैं, बाजार जाती हैं, बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने जाती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि मैं लड़कों के लिए भी कहूँगी, जो बाइकर्स हैं, शौकिया बाइक चलाते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पर ज़्यादा सूरज की इंटरेक्शन हो, नेक और चेहरे पर लगाएँ और अपने आप को बचाएँ। फिर मैं बात करूँगी सैनिडम पिम्पल पैच पे। सैनिडम पिम्पल पैच जो है वो अक्सर जो ऐसा मैंने देखा है, ख़ासतौर पर टीनेज जो लड़के और लड़कियां हैं उनको पिम्पल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब भी अचानक पिम्पल्स दमदार होते हैं चेहरे पर तो उससे आपको एक कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। मुझे तो हो जाता था, अगर मेरे चेहरे पर पिंपल निकलता था ना मेकअप सूट करता था ना कोई चीज़, एक ग्लो ख़त्म हो जाती थी चेहरे की और उस वक्त समझ नहीं आता था क्या करें। लेकिन अब सैनिडर्म लाया है पिंपल पैच। ये पैच आप पिंपल पे लगाएं, ये वाटर बेस है, ये पिंपल को और दूसरे बैक्टीरियाज लगने से प्रोटेक्ट करता है और इसको जल्दी हील करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको लगा कर ना अपना मेकअप और कोई भी क्रीम भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सैनिडर्म के तमाम प्रोडक्ट्स मार्केट में आसानी अवेलेबल हैं और आप ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जी तो मैं अब चली बच्चों के पास। और बच्चों, तुम लोगों को कोई कहानी शहानी बनाना आती है? यानी मम्मा डैडी ने अक्सर बचपन में अगर सुलाते हुए कहानियाँ सुनाई है तो बच्चे बड़ी अच्छी कहानियाँ बनाते हैं, तो तुम लोगों के बच्चों में से कोई भी, दोनों में से कोई कहानियां बनाता है? ये चैंपियन है इस काम में, कहानी बनाने में। हाँ। तो ये कहानी वाली आदत कैसे डेवलप हुई? किसी कोई रात को सुलाने से पहले कहानी सुनाने का? मैं भी स्टोरियां काफी फेंकता था ऐसी। अच्छा, ऐसे है भाई। ओ, ये लंबी लंबी वाली स्टोरी। हां हां, चलो भाई, इतने मजे की मैं आपसे, आप लोगों के साथ एक चीज कर रही हूँ। आप लोगों के पास ना अलग अलग डैडी के और राकिन जो है वो तो पार्टनर्स है ना, तो अलग अलग आप लोगों के पास सामान है और इन्होंने ज्यादातर लड़कियों का सामान भी रखा हुआ है, लड़कों का भी रखा हुआ है, दोनों स्टोरी डेवलप करनी है। हम लोग ने आ जाओ आप लोग दोनों आ जाओ ना, आप लोग भी दोनों इधर ही आ जाओ। यहाँ पे अलग अलग प्रॉप्स हैं, इनके रिलेट करके उल्टा कर दे। मुझे लगता है कि ये लड़कियों का सामान ज्यादा है तो इन्होंने, तुम लोगों ने उल्टा रखा है? नहीं ऐसी है, नहीं नहीं, उधर लड़कियों का सामान है, आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ। मैं वही कह रही हूँ कि ये क्यों किया है कि सिर्फ एक ही है सुपरमैन। हाँ, सिर्फ एक सुपरमैन है, यहाँ पे सारे लड़कों का सामान मिला। अच्छा, भी कहानी शुरू कौन करेगा? एक तो ये है, डॉल से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका कोई नेम पहले रखे। अच्छा चले, कोई भी कहानी जोर से कहानी बना। एल्सा एक दिन, Once upon a time, एक दफा का जिक्र है। एल्सा एक दिन अपने घर से रेडी होके कहाँ जा रही थी? कहाँ? शॉपिंग मॉल। फिर शॉपिंग मॉल जा रही थी। अच्छा, शॉपिंग मॉल में उसको क्या मिला? शॉपिंग मॉल में उसकी वहाँ पर किसी से मुलाकात हो गई ना, वहाँ शॉपिंग मॉल में किससे मुलाकात हुई? हेयर ड्रायर खरीदने जा रही थी वो। अच्छा। शॉपिंग मॉल में, क्योंकि वो नहा के निकलती थी तो उसको जो है उसके बाल सुखाने के लिए उसके पास था ही नहीं ना कुछ। हाँ, तो वो इसलिए वो गीले बालों में तो नहीं कहीं जा सकती थी, हेयर ड्रायर लेने, हेयर ड्रायर खरीदने जा रही थी। लेकिन वहाँ पे उसको डॉक्टर ने कहा कि पहले आपको वैक्सीन, क्योंकि आप मॉल में नहीं घुस सकते बगैर वैक्सीन। लड़की में फिर एल्सा को वैक्सीन लगाया, एल्सा को जल सही है, राकिन ने एड इन किया, एल्सा को वैक्सीन लगा। उसके बाद सबसे पहले वो वैक्सीन लगाने गई, फिर उसने मॉल में एंट्री की और बताया कि मेरे पास तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। हाँ, वैक्सीन तो लग चुकी है। और वो फिर क्या हुआ? और फिर वो ब्लो ड्रायर कहाँ गया? तो ब्लो ड्रायर के लिए वो आई थी। एग्जैक्टली, वापस गई वो ब्लो ड्रायर लेने। फिर वो वापस ब्लो ड्रायर लेके वो घर आ गई। ये लो ब्लो ड्रायर। आप भी एड इन करो ना कहानी, अब वो ब्लो ड्रायर, मतलब वो ड्रायर खरीदने गई ब्लो ड्रायर करने के लिए, अब आगे क्या हुआ? और उसने वहाँ पे 24 घंटे लगा दिए अपने ब्लो ड्रायर में, जिस तरह खवातीन करती हैं, वो निकलने का नाम ही नहीं लेती पार्लर से। तो दे टुक सो मच ऑफ टाइम, है ना, मामा जब जाती है कितनी देर में आती है ना। अच्छा, फिर 5 मिनट बाद उनकी दोस्त आई।
अच्छा उनकी दूसरी दोस्त भी सैलून में आ गई, मॉल में जो सैलून था वहाँ पे आ गई। फिर दोस्त का नाम क्या है? दोस्त का नाम क्या है? फातिमा, ज़हरा, क्या नाम है? ज़हरा। चलो यार थोड़ी सी रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं, चलो यार चिल करते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं। फिर रेस्टोरेंट में क्या बातें की? फिर रेस्टोरेंट में थोड़ी सी ऐसे कॉफी पी, मतलब उनने चिकन कढ़ाई मंगवाई रेस्टोरेंट में, मॉल के अंदर चिकन कढ़ाई आई उनके पास। फिर हाँ, और थोड़े से सैंडविचेस और बर्गर्स मंगवाई। अच्छा, वो के देसी और इतना खाते हैं ये लोग, कढ़ाई भी खाई और सैंडविच बर्गर भी खाया। फिर उनको एक आवाज आई हाँ, और स्पाइडरमैन वॉल्स के धूल वॉल्स में ज़ूम कर रहा था हाँ, और हाँ जाम भी जा रहा था, और वो लोग उनको देख रहे हैं। ओहो हो, फिर वो मॉल के अंदर आ गया। मगर जब वो स्पाइडरमैन आया तो हमारे यहाँ से सुपरमैन भी आ गया। ओहो, अब इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो गई। हाँ, आओ फाइटिंग करें, जय फाइटिंग करें, डूस डूस डूस। ओए 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 ओए, अच्छा चले अब फाइटिंग। ये दादी लड़ते नहीं जीता, के साथ रहते फाइटिंग, वही झगड़ा नहीं करते जीता। अब वो उसको बहुत पसीना आ गया ना, तो उसने फैन निकाला, फैन निकाला और उसके सामने खड़ी हो गई। अच्छा, उसके सामने खड़ी हुई तो थोड़ी सी ना मिट्टी इसकी आंखों में चली गई, और फिर उसके बाल खराब हो गए तो फिर ब्लो ड्राई के लिए चली गई, और उसने चश्मा लगा लिया। फिर स्पाइडरमैन को बहुत गुस्सा आया सुपरमैन ने, तो उसने ये अपना इंजेक्शन लगा दिया। हाँ, इतना इंजेक्शन लगा दिया कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसने इंजेक्शन लगा दिया, जब इंजेक्शन लगा रहा था ना तब ये पावरफुल हो गया। वो जब इंजेक्शन लगा रहा था तो ये सुपरमैन ने ना, ये शील्ड थी सुपरमैन की, उसने बचा लिया अपने आप, अपने आप को बचा लिया भाई। ये तो अच्छा, मैंने सुपरमैन के लैंप शेड को अपनी शील्ड बना दिया। मैं एक्स्ट्रा पावर ऐड करता हूँ उसको। अच्छा, अब जहाज भी तो है यहाँ पे, उसको तो सवाल करें। लेकिन स्पाइडरमैन को बहुत डर लग रहा था, तो हो या क्या, उसने नोटिस किया इसके पास एक टिकट थी अमेरिका जाने में, तो वो जल्दी जल्दी वो सिटी के थ्रू जा रहा था और एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंचने से उसने पहले क्या किया, उससे पहले बस में बैठा और बस से वो गया एयरपोर्ट। ठीक है, फिर जहाज ने टेक ऑफ। ओह माय गॉड, इमेजिनेशन बच्चों की उन्हीं चीजों से रिलेटेड थे, कार्टून्स और वो सारी चीजें। फिर उसने जहाज के अंदर यूं बैठ गया। अच्छा, राकेन ज्यादा बोलने वाला है और ज़ैना कुछ कम बोलती है। फिर आप दोनों में से ज्यादा बोलने वाला कौन है? फिर जहाज कभी कभार बहुत बोलती हूँ, कभी मुझे तो लगता है तुम कम बोलती हो। मैं वैसे कम बोलती हूँ, घर में बोलती हूँ, सबको लगता है मैं ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन मैं वैसे तो सुनीता नहीं लगता मुझे, लगता बोलती जब एज गेस्ट होती है, छह सात लोग होते तो सुनीता सबसे कम बोलती है। एक्चुअली बात करते ना उस पर, सुनीता जो है बहुत माशाल्लाह हर हस्बैंड को यही लगता है, और कम बोलते हैं आप? कम बोलते हैं? नहीं, जब एक्चुअली डिपेंड करता है आप किस कंपनी में किसके साथ हैं। दोस्तों के साथ तो फिर बातें ही बातें होती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच ज़ैना, आपका भी। मम्मा डैडी तो मेरे शो पे आते रहते, लेकिन आप लोग खास तौर पर आए टाइम निकाल कर, बहुत खुशी से आए, बहुत शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको भी बहुत अच्छा लगा। तो बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर, थैंक यू फॉर पायलट एंड फॉर सर्जन। ठीक है यार, हमें भी हमारा भी इलाज कर देना यार, दिल जब तक आप डॉक्टर बनोगे तब तक हमारे दिल की कोई प्रॉब्लम हो ही जाएगी। अल्लाह ना करे। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सुनीता एंड हसन, बेस्ट ऑफ लक इन लोगों के लिए खास तौर पे माशाल्लाह से। और यहाँ हम खुदा हाफिज कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो आई है तेरी बल के चूम के हवा।